हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे। मैंने बताया था आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में करेंगे और हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर में उसको करने वाले हैं। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें डिफरेंट मेथड्स देखेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन निकालने के। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या है बेसिकली? तो कोई एक जो पॉइंट होता है बीम में बैंड होने से पहले किसी एक पोजीशन पे होता है और बैंड होने के बाद वो फाइनल पोजीशन पे किसी पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, फाइनली किसी पोजीशन पे चला जाता है। सो अगर मैं देखूं कि ये आपके पास कोई स्ट्रेट बीम है, मैं जस्ट उसको एक स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूँ लाइक दिस। इसमें कोई पॉइंट मौजूद है लाइक दिस ए, ओके, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम लेट अस से। नाउ यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बैंड किया बाई एप्लीकेशन ऑफ सम लोड्स मैं शो नहीं कर रहा हूँ। नाउ आफ्टर डिफॉर्मेशन ये इस तरह से ए डैश पे चला गया। तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ए टू ए डैश, दिस इज द डिफ्लेक्शन। ओके, सो डिफ्लेक्शन क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट का। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज वॉट? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो होता है बेसिकली ओवरऑल कोई एक वैल्यू होगी, नहीं होगी, कोई एक वैल्यू नहीं होती डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज का नाम है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है किसी बीम में वो बैंड होने के बाद कौन सी नई पोजिशन ऑक्यूपाई करता है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पॉइंट का, ठीक है, बिटवीन द सिचुएशन वेयर द बीम वॉज स्ट्रेट एंड नाउ द बीम हैज बैंड। तो इस सिचुएशन, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो आप लोगों के पॉइंट्स है किसी भी बीम में मौजूद, उनके जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। सो इनिशियली द बीम इज स्ट्रेट, इनिशियली द बीम इज स्ट्रेट, नाउ बाय एप्लीकेशन ऑफ लोड दिस बैंड, दिस बीम विल बैंड एंड द पॉइंट विल मूव ऑन टू सम न्यू लोकेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिफ्लेक्शन। तो जैसे कि यहाँ मैं बोला ए ए डैश, तो ए ए डैश जो है दिस इज नॉट अ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, दिस इज नॉट अ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ऐसे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हम लोग नहीं बोलते हैं कभी भी। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज नेम ऑफ टॉपिक, यस आई एग्री, बट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एग्जैक्टली कोई एक सिंगल वैल्यू होगी? नो, ऐसा नहीं होता। बीम के हर एक पॉइंट का अपना एक डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि बैंड हुआ तो नियर द सपोर्ट देर इज नो डिफ्लेक्शन, हियर एट द सपोर्ट देर इज नो डिफ्लेक्शन, बट इसके अलावा बाकी पॉइंट पे यू हैव सीन सम वैल्यूज ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ कहीं पर आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा डिफ्लेक्शन, तो इसको बोलूंगा मैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डेल मैक्स या ऐसा वाई मैक्स, या इसको इस तरह से डेल मैक्स मैं लिख सकता हूँ। सो दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम बहुत डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखेगा, किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, किसी पॉइंट पे जीरो होगा, ऐसा। सो एट डिफरेंट पॉइंट देर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इन बीम। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का जो चैप्टर है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह से हम लोग डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस बारे में हम लोग समझते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक और चीज़ की डिस्कशन करते हैं, दैट इज स्लोप। जैसे आप देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का अपना एक स्लोप है। यहाँ पर आपको स्लोप मैक्सिमम दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को स्लोप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जीरो दिखेगा, तो एट डिफरेंट लोकेशन व्हाट इज द स्लोप। तो कर्वेचर जो आया आपके पास बैंड होने के बाद, जो कर्व शेप आया है, इसका स्लोप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कितना है वो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में। सो जैसे कि आप बोलोगे ए डैश, सो ए डैश जो है क्या बोला मैं, अब दिस इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट पॉइंट ए, दिस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट पॉइंट ए। तो हम लोगों ने डिफ्लेक्शन की तो बात करी, लेकिन डिफ्लेक्शन की बात करी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक्सेट्रा हम लोग जब बात करेंगे कभी भी, तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएंगे कि बीम का डिफ्लेक्शन कितना है। नाउ इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना है या स्लोप कितना है इसको जानने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो हैं आप लोगों के जो गेट एग्जामिनेशन में आपको आने चाहिए, वो मेथड्स मैं यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि सबसे फंडामेंटल नेचर का मेथड जो होता है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड एक होता है, ठीक है। और इसका स्पेशल इसका ही एक मतलब एडवांसमेंट है, दैट इज मैकॉलेज मेथड, ओके, मैकॉलेज मेथड। तो हम लोग यही देखने वाले हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड, ओके, मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होता है, दैट इज सुपरपोजिशन मेथड, या फिर मेथड ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन थ्योरम कह लो, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। और लास्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड, दैट इज कास्टिग्लिआनो थ्योरम देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड।
तो इतने मेथड हम लोगों को देखने हैं केट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आपके पास यूनिट लोड मेथड होता है, कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आउट ऑफ देम जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये चार मेथड है, और बात करते हैं हम इसके ऊपर कि ये कैसे वर्क करता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सभी मेथड्स में आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द डबल इंटीग्रेशन मेथड, जिसमें हम लोग मैकलस मेथड पे फोकस करने वाले हैं। सो डबल इंटीग्रेशन मीन्स एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इंटीग्रेट करना होगा तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होगा आपको, जिसको आप इंटीग्रेट करके फिर आपको जो भी सॉल्यूशन है वो मिलेंगे। सो किसी भी बीम का जिसपे नंबर ऑफ लोड लग रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम ले लूँ, सपोज लाइक दिस, यहाँ इस तरह से मैं कैंटिलीवर बीम ले लूँ, सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड इट विल डिफॉर्म लाइक दिस। ओके, इट विल डिफॉर्म लाइक दिस, क्लियर है क्या? सो ये जो कर बन रहा है आप लोग पास, इसके जो न्यूट्रल प्लेन है आप उसको इस तरह से एक प्लॉट कर सकते हो, दिस इज द न्यूट्रल प्लेन लाइक दिस। तो न्यूट्रल प्लेन पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल था, अब इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया और किसी दूसरे शेप में चला गया, कर्वेचर के फॉर्म में आ गया, क्लियर बात है क्या? नाउ इसका जो ये जो कर्व शेप है आपके पास, इसका जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। सो दिस कर्व आफ्टर बेंडिंग इज नोन एज इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व, ओके, इलास्टिक कर्व। तो ये जो इलास्टिक कर्व है इसका जो इक्वेशन है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, जिसको कई बार हम लोग इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व भी बोलेंगे, हालांकि थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके इलास्टिक कर्व का, ऑफ इलास्टिक कर्व, ठीक है, सो दैट विल बी ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। ये आप लोग को इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व है, ठीक है। तो ये बताता है जैसे कि आप लोगों के पास डिफरेंट लोड्स लग रहे हैं किसी भी बीम में, तो उस पर डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट आ रहे होंगे। तो एम एक्स क्या है? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन है। सो अगर आपको पता है कि किसी भी बीम में एम एक्स का बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन का क्या इक्वेशन है, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, किस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो वेरी कर रहा है, जो mx है, mx जो है हम जानते हैं, जो mx होता है, mx इज, वी नो दैट इट इज फंक्शन ऑफ x, सो देर मस्ट बी सम फंक्शन, ओके, देर मस्ट बी सम फंक्शन। नाउ ये जो फंक्शन होगा, यानी कि जो भी आपको इक्वेशन दिखेगा इसका mx का, उसको आप लोग क्या करोगे, क्योंकि ये देखो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, तो उसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। सो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ट्वाइस यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशन। दैट इज वाई ये जो अप्रोच है इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। एंड वी विल बी इंटीग्रेटिंग इट इन एन इंडेफिनेट मैनर, यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे इसका। सो इंटीग्रेट दिस एंड देन यू विल बी हैविंग द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। सो डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। सो After integrating the above equation twice, okay, you will be having the equation of y. First time integrate करोगे तो क्या मिलेगा? dy by dx. First time integrate करेंगे तो कुछ इस तरीके का मिलेगा, है ना? ये आप लोगों के पास मिलेगा ei dy by dx, ठीक है, ई वाई डी आई वाई डी एक्स मिलेगा। और इस तरफ कुछ आपको लोगों को जो भी फंक्शन है आफ्टर इंटीग्रेशन दिखाई देंगे, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आएगा, ठीक है, क्लियर बात है। यानी कि आप लोग बेसिकली जो एम एक्स है उसको इंटीग्रेट कर दोगे फर्स्ट टाइम, तो जो भी इंटीग्रेशन का आएगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एक आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये जो दिखेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स, दिस डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, है ना। अगर आप लोग इस तरह से इसको एक्स डायरेक्शन बोलते हो, ये वर्टिकल डायरेक्शन आपका ये वाई है, तो ये जो इलास्टिक कर्व है, ये जो इलास्टिक कर्व है, ठीक है, इस पर किसी जगह भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह से, अगर किसी जगह भी ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे छोटा सा, सो ये जो उसका स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ओके, दैट स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। सो जो स्लोप है इसका, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो स्लोप है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या स्लोप का है,
इक्वेशन. तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे अगर इक्वेशन को तो हम लोगों को स्लोप का इक्वेशन दिखाई देगा. बट अब ये सॉल्व नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अभी अननोन है. सो वी हैव टू यूज सम बाउंड्री कंडीशन. कुछ बाउंड्री कंडीशंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. मैं बताऊंगा कैसे कैसे बाउंड्री कंडीशंस होंगे और इसको हम लोग C1 को फाइंड आउट करेंगे. देन अगेन हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो उस कंडीशन में ई आई वाई ऐसा आपके पास इक्वेशन निकल करके आएगा. इधर कुछ आपको फंक्शन मिलेंगे प्लस आपको एक नया C1 के साथ जिस तरह से आ जाएगा कुछ C1 के साथ इस तरह से C1 एक्स प्लस फिर इस तरह से C2 आपके पास आएगा, है ना. ये आप लोगों के पास होगा. और C1 और C2 अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. C1 C2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो वी विल बी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन. सो फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन दैट मीन्स पूरा डी वाई बाई डी एक्स का आपको इक्वेशन कंप्लीट करना है, ई आई वाई का इक्वेशन आपको कंप्लीट करना है, तो ये क्या होगा, आपको C1 C2 फाइंड आउट करने पड़ेगा. C1 एंड C2 आर फाउंड यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस. ओके, बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए आप लोग C1 C2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हो. नाउ ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, ओके, पुट C1 एंड C2 इन दिस इक्वेशन यहाँ, तो आप लोगों को ई आई वाई का इक्वेशन मिल जाएगा. आप चाहो तो ई आई को उस तरफ ट्रांसफर कर सकते हो. तो ई आई वाई का जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन. ओके, और क्या बोला इसी को मैं, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व. ओके, दिस इज आफ्टर इंटीग्रेटिंग, आफ्टर कंप्लीटली इंटीग्रेटिंग, दैट इज दो बार इंटीग्रेट करने के बाद जो आप लोग फर्स्ट फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है दैट इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व. और ये जो है दैट इज जो आपके पास इनिशियली ये वाला देखा हम लोगों ने, ये जो इक्वेशन है हमारे पास दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इलास्टिक कर्व. ठीक है, तो यहां से फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने अपना डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया. अगर ये वाला जो इक्वेशन है इसमें अगर C1 इसमें सिर्फ C1 की नीड रहेगी तो C1 उठा के यहाँ पुट कर दो तो जो आपको इक्वेशन निकल के आएगा दैट इज स्लोप इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशंस है दे आर फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि यहाँ एक एक्स दिख रहा है तो ऐसे ही आप देख सकते, आगे जब सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा आप लोगों को कभी भी कि दे दिस इक्वेशंस आर डिपेंडेंट ऑन एक्स. सो एट एनी एक्स लोकेशन, एक्स क्या है, देखो एक्स क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं आपके बीम के एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वर्टिकल दैट इज योर वाई डायरेक्शन. तो बीम में किसी भी एक्स लोकेशन पे, ठीक है, किसी भी एक्स लोकेशन, जैसे कि यहां से मैं बोला दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, मैं राइट से स्टार्ट करूं राइट टू लेफ्ट, तो ये मेरा एक्स इक्वल टू जीरो हो गया. मुझे यहां पर जानना है कि स्लोप कितना है, तो जो भी ये वैल्यू है एक्स की इस प्लेन के इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वो यहां पुट कर दूंगा तो स्लोप आ जाएगा, और यहां पुट कर दूंगा सेकंड वाले में तो क्या जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा उस पॉइंट का. सो दिस इज वेरी इजी डबल इंटीग्रेशन मैथड. ठीक है, नाउ इस मैथड में लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग जो सेकेंड अप्रोच है दैट इज मैकॉलिस मैथड उससे दूर करेंगे. ठीक है, क्या होता है, देखो हमारे पास सपोज ऐसी कोई लोडिंग है, जैसे ध्यान दो, जैसे कि ये एक लोड हो गया पॉइंट लोड P1 और ये हो गया जैसे कि पॉइंट लोड P2. ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसमें पूरा UDL भी लगा दूं, बस जो चीज़ समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना. ठीक है, ये आपके पास लेट अस से दिस इज ए दिस इज बी ऐसा, तो आप ध्यान देना अगर आप सेक्शन यहाँ पर काटते हो. देखो हम लोग जनरली कैंटिलीवर जैसे लेते हैं और ये जो लॉजिक बता रहा हूँ सभी बीम में अप्लाई होगा, ना ही सिर्फ कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें ये यूजफुल रहेगा. अब मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जब भी कैंटिलीवर दिखेगा तो मैं हमेशा फ्री हैंड से स्टार्ट करता हूँ, तो राइट टू लेफ्ट मेरे लिए जाना ही जाना है मेरे को. अब यहाँ एक्सपल टू जीरो हो गया, नाउ देखना ये पॉइंट को नाम दिया मैं ए, ये वाला पॉइंट जो है इसको नाम दिया बी, और ये द फिक्स एंड को दिया सी. तो यहाँ पर देखना मैं ए से बी के बीच लिखता हूँ, देखो ए से बी के बीच देखना, फॉर ए बी और लिख बोल सकते हो ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए ध्यान देना क्या हो रहा है. जब आप ए टू बी जा रहे हो तो देखो ए टू बी के बीच कहीं पर भी सेक्शन काटो, किसी भी एक्स लोकेशन में जस्ट एक सेक्शन काट करके देखो, x1 ऐसा पहला एक सेक्शन काट करके देखो ए से बी के बीच में. अब इक्वेशन आप लिख करके देखोगे mx का, आप mx का इक्वेशन लिखिएगा यहाँ पर,
है ना, एम एक्स का इक्वेशन लिखिए आप लोग। तो एम एक्स आप लोगों का यहाँ से आ रहा है, एम एक्स इक्वल टू ओके माइनस, क्योंकि क्लॉक वाइज है, पी वन इंटू एक्स माइनस, ये जो यू डी एल है, यू डी एल की इंटेंसिटी लिख देता हूँ, लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ, इसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू है बेटा, ठीक है, जैसे हमेशा रहता है यू डी एल की इंटेंसिटी डब्ल्यू लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास डब्ल्यू। सो ये इतना डिस्टेंस का डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, दैट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर बाई। सो दिस इज द बेंड, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। नाउ थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ाओ सोचने का, तो ध्यान देना, फॉर बी सी यानी कि अब आगे के लिए, या आप ऐसा बोल सकते हो, अब आप लोग सेक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो हम जानते हैं जब जहाँ से जहाँ तक मैं सेक्शन ले जा चुका हूँ, जैसे कि मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो मैंने बताया आपको कि सेक्शन के राइट साइड का फिर आपको सारा जो लोड्स है वो सब आपको कंसिडर करना होगा जब आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड का पूरा जो लोड है उसको आप कंसिडर करते हो, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अब आप लोग और आगे गए, तो आप यहाँ तक आ चुके हो, तो ये जो नया सेक्शन है यहाँ तक आगे, नया लोकेशन आ गया आप लोगों का, यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ से अगेन एक्स डिस्टेंस पे। तो अब आप सेक्शन एक बार देखो, यहाँ काट के देखो, है ना, बोलोगे सर यहाँ से क्यों एक्स ले रहे हैं, अब तो यहाँ तक ऑलरेडी आ चुके हैं, अब यहाँ से एक्स लेना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं किया जाता है। एक्स डिस्टेंस जो है हमेशा हम ओरिजिन से नापते हैं, सेक्शन हमेशा ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे काटना है, है ना। कभी भी कई लोग ऐसा होशियार होंगे, सर यहाँ से एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, अब यहाँ से लूँगा सर कुछ अलग, ऐसा कई लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, पाप है। सो हमेशा जो आपका ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो से, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे याद रखना। तो एक्स डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर बात है। अब यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन अब यहाँ है, तो अब आप फ्रॉम ए टू सी आ गए, तो ए से सी के बीच तक की बात हो रही है। अब सिर्फ अब पहले से भी इतना रेंज लिया आपने ना, अब आप ए से लेकर के सी तक देख रहे हो, आप ए से लेकर के सी तक देख रहे हो, तो सेक्शन जब आपका आगे जा रहा है, बी को क्रॉस कर गए आप, सो फॉर ए सी और यू कैन से ए टू सी। इस स्थिति के लिए थोड़ा एक बार एम लिख करके देखना तो कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है या फिर बकवास दिखता है, देखना एम एक्स किसके लिए, ए से सी के लिए, अगेन पी वन इंटू एक्स माइनस में, क्योंकि हॉगिंग है, पी वन इंटू एक्स, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपके पास ये वाला लोड, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक ए है, ये एक्स है, ये हो जाएगा आपके पास पी टू इंटू एक्स माइनस ए, ये डिस्टेंस कितना होगा x माइनस ए, तो p2 टू इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है ओके। और ये भी आएगा, तो ये पहले आएगा तो चलो उसको लिख देते हैं पहले, बुरा मान जाएगा नहीं तो, एक्स स्क्वायर बाई टू ऐसा, फिर माइनस p ओके माइनस p2 टू इंटू एक्स माइनस ए, ऐसा लिख दिए क्या। अब देखो तो सेक्शन जो था जब a से b के बीच में था, ध्यान से देखना, जब a से b के बीच में था तो आपको एक अलग फंक्शन मिल रहा है, एक अलग इक्वेशन मिला आपको m का, है ना, आपको m का कुछ अलग ही वैल्यू मिल रहा है जब a के बीच, a से b के बीच में थे, जब आप लोग a से c के बीच में आए तो आपको कुछ अलग इक्वेशन मिल रहा है, ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ जा रहा है। और अगर वापस इसको मैं मूव कराऊं, यहां तक आ गया ना, रिवर्स गियर लेकर के वापस पीछे जाऊं तो क्या होगा, तो अगेन जब आप ए से बी तक पहुंचोगे, तो ए से बी के लिए अगर आप लिख बोलोगे कि ए से बी के लिए क्या इक्वेशन सही है, चेक करके देखो ए से बी के लिए क्या इक्वेशन सही है, नहीं, क्योंकि ए से बी के बीच जब आप सेक्शन काटते हो तो पी टू तो पिक्चर में आता ही नहीं है। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि ये मेरे पूरे के पूरे बीम का इक्वेशन है, सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये पूरे बीम का नहीं है, क्या ये पूरे बीम का है, ये भी पूरे बीम का नहीं है, तो आपका सेगमेंट टू सेगमेंट आपकी चीजें अब चेंज हो जा रही। तो जो एम है, एम या फिर एम एक्स कह लो, नाउ एम एक्स जो होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में जिसमें नंबर ऑफ लोड्स लग रहे हो, जनरली कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और आप नोटिस करना, अगर थोड़ा वीडियो पॉज करोगे और सोचोगे तो समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये पी टू नहीं होता, सोचना, अगर ये पी टू नहीं होता तो उस कंडीशन में ए से सी के लिए लिखते, चाहे ए से बी के लिखते, ये पॉइंट बी रहने दो ना, पॉइंट बी रहने दो, बस ये पी टू को हटा दो। अब चेक करो इक्वेशन को, लिख करके देखो, दोनों केस के लिए वीडियो पॉज करना, आप पॉइंट लोड हटा दो बस, और एक बार ए बी के लिए लिख के देखो, एक बार ए से सी के लिए लिख करके देखो, कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये जो फर्क पड़ा दोनों इक्वेशन में, यानी कि दो अलग अलग इक्वेशन मिल रहे हैं, रेंज देख लो, यहाँ ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इज वैलिड फॉर एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन ए, इस तरह से,
लेस देन ए, और ये जो इक्वेशन है वैलिड है आपके पास ग्रेटर देन यानी कि जीरो से, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन आपके पास ये एल है ना, दैट इज ए प्लस बी है ना, ये जो है ए प्लस बी है। तो इस तरह से तो ये आए एल लेंथ के लिए, तो ये मैं बोल दूं क्या पूरे बीम में लगता है? नो, ये पूरे बीम के लिए ट्रू नहीं है। अगर आप यहाँ से इस वैल्यू से अगर आप यहाँ का बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहोगे तो गलत आएगा आंसर आपका, चेक कर लो। यहाँ का आंसर अगर यहाँ आप अगर इसको इक्वेशन में लगाते हो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो अब आपका फंक्शन है एम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हमको पता है एम एक्स जो है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ एज देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स प्रेजेंट इन द बीम, देयर नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स प्रेजेंट इन द बीम, सो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो, चाहे पॉइंट लोड हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट हो, सो ऑलवेज रिमेंबर जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स होते हैं, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ओके कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स बोलो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है, ये हो सकता है आपके पास पॉइंट लोड बोल दो या फिर पॉइंट लोड बोल लो या फिर पॉइंट मोमेंट। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो बीम में डिसकंटिन्यूटी फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, डिसकंटिन्यूटी इन लोडिंग फॉर्म करते हैं। दैट इज अ वेरी वास्ट आइडिया, जितना आपको शॉर्ट में बता रहा हूं उतना आप समझ जाओ, बिकॉज इट इज गोइंग अदरवाइज इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। सो जस्ट याद रहे हो डिसकंटिन्यूटी कॉज करते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है मैथमेटिक्स समझोगे दो मिनट समझ जाओगे, फिजिक्स में घुसोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स हम जानते हैं कि अगर मेरे पास एक सर्टन इंटरवेल के लिए एक इक्वेशन और दूसरे इंटरवेल के लिए अगर एक इक्वेशन मिलता है, दैट इज फॉर एक्स इक्वल टू जीरो टू एल, एक सिंगल इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन है, एक सिंगल इक्वेशन नहीं है आपके पास, आपके पास दो इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बोलोगे कि जो फंक्शन है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। एक सर्टन इंटरवल में उसकी एक वैल्यू आ रही है, दूसरे इंटरवल के लिए लिख रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है। सो फॉर अ सर्टन इंटरवल इट इज हैविंग अ सर्टन इक्वेशन अ सर्टन फंक्शन, एंड फॉर अदर सेट ऑफ इंटरवल्स इट इज हैविंग अनदर फंक्शन। सो इट दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो जो पॉइंट लोड या कह लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स जिसमें पॉइंट लोड आते हैं पॉइंट मोमेंट्स आते हैं, दे कॉज डिसकंटिन्यूटी इन द बीम, ठीक है, दे कॉज डिसकंटिन्यूटी इन द बीम, ओके। तो इसके लिए हम लोग इस सॉल्यूशन के लिए सिंगुलैरिटी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट इज अगेन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टर्म एंड वी कैन नॉट डिस्कस इट येट बिकॉज टाइम कम है अपने पास, तो मैं अब आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसा रहेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसेस दैट हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन और यू कैन से द मैक्वेलिस अप्रोच, ओके, इन नो टाइम। देखो क्या करना है आपको, जस्ट जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस, आप लोग इजीली बना पाओगे। जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट लोड जो होते हैं दे कॉज डिसकंटिन्यूटी इन लोडिंग, ओके। तो जो आपके पास पॉइंट लोड्स हैं यहाँ पर, एक पॉइंट लोड यहाँ पी टू है आपके पास, तो पी वन और पी टू के बीच एक इक्वेशन होगा एम का, पी टू से बाकी के लिए जो बाकी के जो पार्ट हैं जैसे कि बी से सी पी टू के बाद, यहाँ पर जब सेक्शन काटोगे तो एक दूसरा इक्वेशन निकल करके आ जाएगा क्योंकि उसमें पी टू कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जब पॉइंट लोड की बात करते हैं तो पॉइंट लोड के जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर सेक्शन कटता है, पता है हम लोगों को, क्योंकि पॉइंट लोड क्या होता है, पॉइंट लोड एक पॉइंट पर लग रहा होता है और उस पॉइंट पे सडनली चीजें चेंज हो रही होती है, सडनली एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक लोड आ रहा होता है, इस पॉइंट के पहले तक इसका कोई वजूद नहीं था, इस पॉइंट के बाद इसका वजूद है। सो इफ यू कट यू कैन एज यू कैन नॉट कट द सेक्शन एट द पॉइंट लोड, तो यू आपके पास एक ही ऑप्शन है दैट यू विल कट द सेक्शन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द पॉइंट लोड लाइक दिस, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो इसके पहले तक आपको अलग इक्वेशन मिलेगा और इसके बाद वाले यानी कि इस सेक्शन पे आप लोगों को अलग इक्वेशन दिखने लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, दैट इज वाई हम लोगों को कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए कि जब मैं इस रेंज में आ जाऊँ ए टू बी तो अपने आप ये गायब हो जाए। सो आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शंस। तो अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊं कि मुझे पता चल जाए कि कब इसको कंसिडर करना है और कब नहीं करना है, जैसे अभी मुझे पता है कि अगर मैं एकदम बहुत लंबा चौड़ा अप्रोच में जाऊं तो अगर मैं ए टू बी हूं तो मुझे इस वाले टर्म की नीड नहीं है, तो अगर मैं किसी भी सूरत में मैथमेटिकली अगर ए से बी के बीच में आ जाता हूं, मैं ऐसी किसी पॉइंट की चर्चा करता हूं उस पर स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूं जो ए से बी के बीच में है, देन आई डोंट वॉन्ट दिस टर्म एट ऑल, तो मुझे क्या करना होगा,
इसको उस केस में एलिमिनेट करना होगा. सो जस्ट रिमेंबर फ्यू लॉस, ठीक है. पहला लॉ जो है इसका, पहला जो रूल है, सो जो मैक्वालिस मेथड है उसके जो रूल नंबर वन है आपके पास, रूल नंबर वन जो है इसका बहुत सिंपल है. रूल नंबर वन जो है दैट इज़ वेरी सिंपल. ओके, जस्ट रूल नंबर वन का याद रखना कि जब आप लोग सेक्शन कट करते हो, जब आप सेक्शन कट करते हो तो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड जो आप कंसिडर कर सकते हो वैतना कंसिडर करने की कोशिश करो. जैसे कि मैं बोला कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस. नाउ इफ यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, सो यू विल सी यहाँ पर इस तरह से इसमें जो भी लोड लग रहा हो, जैसे कि एक इस तरह से पॉइंट लोड लग रहा है, इस तरह से ऐसा UDL लग रहा है लाइक दिस, है ना. तो एक लोड, दो लोड, अभी दो दिख रहे हैं. जब आप FVD ड्रॉ करोगे तो आपको दो फोर्सेस और दिखेंगे. लेट अस से दिस इज रिएक्शन नंबर वन, रिएक्शन नंबर टू, दिस इज द लोड पी. ओके, लेट अस से ये L/2 पे मिड स्पैन पे लग रहा है ऐसा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात किया. तो सेक्शन आप जैसे भी काट रहे हो, यू कैन कट द सेक्शन आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट टू लेफ्ट, किसी के भी अकॉर्डिंग कट कर सकते हो. जैसे कि लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो लेफ्ट जीरो हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट में हो आप लोग तो x इक्वल टू जीरो लेफ्ट साइड सेट होगा और ये x इक्वल टू l हो जाएगा. सो आप लोग कहाँ मूव कर रहे हो, आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो. दिस इज योर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो लेफ्ट टू राइट के जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं SFD BMD में, सारे वो यूज होंगे. अगर आप राइट टू लेफ्ट चलोगे तो आपके SFD BMD में हम लोगों ने जो राइट टू लेफ्ट वाले साइन कन्वेंशन पढ़े बच्चों, वो इस्तेमाल होंगे. क्लियर बात है क्या? अब देखना, अब यहाँ से जैसे मैंने देखा कि 1, 2, 3, 4 आपके पास फोर्सेस हैं. सो जितना अधिक से अधिक मैं सेक्शन काट के कंसिडर कर सकता हूँ, जैसे कि सेक्शन यहाँ काट के कोई फायदा नहीं है, मतलब इसके बाद काट के कोई फायदा नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसके बीम के अंदर ही सेक्शन कटना है, कहीं पर सेक्शन कटना है, ठीक है. सो आप लोग जिस भी तरह से चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, सेक्शन ऐसा काटो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स कंसिडर हो जाए. तो यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस जैसे मैं यहाँ सेक्शन काटा लाइक दिस, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स जो है कंसिडर हो जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 लोड्स जो है वो कंसिडर हो जा रहे हैं. तो जैसे कि मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ लोड्स हैं, तो एटलीस्ट n-1 या n-2 आप लोग कंसिडर कर पाओ, ऐसा रहे. अब ऐसा हो सकता है कि किसी केस में मान लो मैं यहाँ पर एक और लोड दे दिया, ऐसा यहाँ पर आपको सपोर्ट में मैं एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा दिया इस तरह से, तो ये तो इस पॉइंट पे है, इसको कंसिडर करने के लिए मुझे जस्ट आफ्टर दिस जाना पड़ेगा, इसके जस्ट बाद बीम नहीं है एक्चुअली में, फिजिकली तो है नहीं, तो ये कंसिडर नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये छूट जाएगा फिर उस केस में. इसलिए मैं n-1 या n-2, जैसे कि एंड्स पे किसी सपोर्ट एंड पे मोमेंट लग रहा है तो वो तो छूट जाएगा, वो आपका छूट जाएगा. सो दैट इज व्हाई जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स या लोड्स हैं जो भी आपके सपोर्ट पे, दे विल बी डेफिनेटली लेफ्ट आउट वंस यू कट अ सेक्शन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है. तो बस इतना रखो, जैसे n नंबर ऑफ आपके पास लोड्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस, n नंबर ऑफ फोर्सेस बोलो जितने आपके पास आ रहे हैं, उसमें n-1 और n-2 तक आप कंसिडर कर पाओ. n-2 कब? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सपोर्ट पे एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, तो वो तो छूटना ही छूटना है. आप सेक्शन कैसा भी कार्ड कट कर लो, वो तो आपका छूट जाएगा, ठीक है, वो आपका छूट जाएगा. क्लियर बात है? हाँ, अगर आप ऐसा करोगे कि आप लोग राइट टू लेफ्ट मूव करो, तो उस केस में फिर वो कंसिडर किया जा सकता है. जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो उस केस में आप लोग का वो छूट जाएगा, तो मुझे उसको कंसिडर करना ही करना है. तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट करूँगा, तो मैं अगेन n-1 की ज़्यादा से ज़्यादा लोड कंसिडर हो, मुझे ऐसा सेक्शन काटना है. जैसे मान लो यहाँ पर m लगा है बोला मैं, तो अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट चलते हो तो देखो 1, 2, 3 कंसिडर हो रहे हैं अगर आपके पास. लेकिन अगर आप लोग राइट टू लेफ्ट चलोगे ऐसा सेक्शन काटते हो यहाँ से तो देखो 1, 2, 3, 4 ज़्यादा फोर्सेस राइट टू लेफ्ट चलने पे कंसिडर हो रहे हैं, तो ऐसे केस में राइट टू लेफ्ट चलना इज़ बेटर ऑप्शन. लेकिन मान लो अगर आपके पास इधर भी एक कोई मोमेंट लग रहा है, इधर m1 लग रहा है, इधर m2 लग रहा है, तो उस केस में देख लो आप लोगों कुछ भी कर लो, n-1 जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है, एक और एक्स्ट्रा छूटेगा. आप लेफ्ट से जाओगे, लेफ्ट राइट जाओगे तो ये वाला छूटेगा, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो ये वाला छूटेगा, तो उस केस में आपका n-2 कंसिडर होगा. तो ये मेरा एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, कि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो, ठीक है.
तो जितने भी लोड्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स कंसिडर हो सके ऐसा सेक्शन काटना आप लोगों को, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स विल बी कंसिडर, ऐसा ट्राई करना, चाहे आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़े चाहे राइट टू लेफ्ट चलना पड़े, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे सोच सकते हो और कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने ये रूल फॉलो किया, जिस तरफ से आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड कंसिडर हो रहे हैं उस तरफ से आपने सेक्शन काट लिया, उस जगह सेक्शन काट लिया, चाहे आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ा या राइट टू लेफ्ट चलना पड़ा। अब जो भी आप चले हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसका ही साइन कन्वेंशन अब फॉलो होगा। आई बात समझ में? अगर आप लेफ्ट टू राइट चले हो तो लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये वाला जो साइन कन्वेंशन है वो फॉलो होगा। सो फॉलोइंग दी साइन कन्वेंशन, जो रूल नंबर टू है, फॉलोइंग दी साइन कन्वेंशन राइट द इक्वेशन फॉर एम एक्स, ओके, फॉलोइंग दी साइन कन्वेंशन, फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन, ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ एम एक्स, एम एक्स का आप इक्वेशन जो है इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए लिखोगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए लिखोगे। नाउ अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली लिया था, जो सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोगों ने लिया था प्रीवियसली, आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, और बहुत ही जल्दी अभी हम लोग का सोम जो है वो कवर हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक बड़ा टॉपिक है, इसके बाद फिर आपका कॉलम्स बचा है और फिर आप लोग का थ्योरी ऑफ फेलियर बचा हुआ है, और इस कॉलम के साथ साथ मैं आप लोग को स्प्रिंग भी बता दूंगा शॉर्ट में, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला बेस है, तो आई विल बी जस्ट डिस्कशिंग द फॉर्मूला एंड फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ यू कि किस तरह से आप लोग देख सकते हो, कॉलम वाले चैप्टर के साथ ही हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो आप लोग का स्प्रिंग्स, कॉलम और थ्योरी ऑफ फेलियर अब बचा है, तो बहुत जल्दी अब आपका सॉम का जो ये जर्नी है जो आपके टीचर्स डे से स्टार्ट हुआ था वो जल्दी ही खत्म होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो एक तीन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली थ्री सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है आपके पास, मैकेनिकल ऑलोक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया और थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये तीन सब्जेक्ट अभी इनके फर्स्ट स्ट्रेच में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो राह है, जो मंजिल है वो थोड़ी सी दूर है, तो अभी एकदम ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और ज़्यादा परेशान होकर गिव अप भी नहीं करना है, तो हम लोगों को अभी एकदम एकदम न्यूट्रल रहना है, हम लोग को बस चुपचाप शांति के साथ हम लोगों को एफर्ट्स जो है वो करते रहना है, ठीक है। डे बाय डे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और हम लोग और अच्छा करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने चीज़ों पे फोकस रखो और अपनी चीज़ों पे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने साथ ईमानदार रहो, डेफिनेटली आपके साथ सब चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। तो कभी भी ना अगर लगे कि मतलब अब हो गया सर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक तो ब्रेक लेना बनता है और एग्ज़ाम के लिए तो अभी थोड़ा सा कुछ महीना बाकी है, तो मेरी एक सलाह है आप लोगों की, ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, कुछ कविताएं उनकी, उन्होंने कहा था कि गगन सघन मनमोहक मंतरु, मुझको सभी बुलाते हैं किंतु किए जो वादे मैंने, याद सभी आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह मौन निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो कोसो तुमको चलना है। तो ये एक बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत है, सक्सेस की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे तो आपकी जो ये रेलगाड़ी है ये इस पटरी पे धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेगी और फिर एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे, बस आप लोगों को बने रहना है अपने सपनों के साथ, अपने अपने प्रयासों के साथ आपको बने रहना है, विश्वास रखना है और बस चलते रहना है, ठीक है। अगर कोई साथ ना भी दे तभी आपको चलते रहना है, बोलते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर जी, अकेला चोर ले, तो बस अकेले चलते रहो, जीत एक दिन आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना, सही रास्ते पर, सही एम्बिशन, सही मोटिव और सही एक गाइडेंस में अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। चलिए, सो साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, एम एक्स लिखना है, तो चलो मैं एम एक्स लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट जो लिया है ना। अब एम एक्स लिखने के लिए ही इसी के अंदर एम एक्स लिखना है, उसके बाद तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। तो एम एक्स लिखने के लिए ही रूल नंबर थ्री भी आपको बताऊँगा, तो एम एक्स लिखना है, देखो आर वन इधर लिखा मैं, जैसे इधर लिखा आर टू, फिर मैं बताया आपको इस तरह से पी दिया हुआ है और इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड रोड है, ये आपके पास एल बाई टू इस तरह से है ना, ओके। अब वो जो n-1 n-2 मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ
ये जो मेथड है, अब इसमें हम लोग सेक्शन काटेंगे, तो मैं काटा x इक्वल टू जीरो इधर ले लिया, यानी कि जैसे ही मैं इसका ऐसा लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं लेफ्ट साइड को ओरिजिन मार रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करूँ तो लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, क्लियर बात है। सेक्शन काटता हूँ कहीं पर, है ना, और ये मेथड जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल का, बट इट इज़ वेरी वर्सेटाइल मेथड और बहुत कुछ इसमें सीखने लायक है। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो इससे जल्दी सॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर मोमेंट एरर मेथड और एनी मेथड। ये सबसे जल्दी रिजल्ट देता है एक्यूरेटली, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग दी गई हो, यानी कि दो तीन टाइप के लोड दे दिए गए हो, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व करता है। जबकि आप मोमेंट एरर मेथड वगैरह में जाओगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। नाउ आपने यहाँ पर एक्सिस्टेंस पे ऐसा सेक्शन काटा, अब जैसे कि लेफ्ट टू राइट काटे गए हो तो सेक्शन के लेफ्ट साइड का देखोगे आप, देखो 1, 2, 3 तीन तरह के लोड आपने कंसिडर कर लिए, एक ये जो रह गया n-1 आप कंसिडर कर पाए हो, है ना, n-1 कर पाए हो। और जैसे मैंने बोला अगर यहाँ पर m लगा होता एक, तो उस केस में लेफ्ट टू राइट जाना हम लोग के लिए ठीक नहीं होता, हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते तो फिर हमारे पास मैक्सिमम लोड कंसिडर हो पाते। खैर अभी वाली सिचुएशन नहीं है। ओके, तो R1 R2 आप लोग को फाइंड करना आता होगा, आई थिंक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने सिखा चुका हूँ कि उसके थ्रू कैसे हम लोग रिएक्शंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए हैं और आप कर लोगे ऐसा मैं मानता हूँ। अब यहाँ से mx लिखता हूँ इस सेक्शन पे, ठीक है mx। तो आप लोग क्या करना मेरे साथ साथ बने रहने के लिए, कि जैसे कि पहले एक बार सेक्शन यहाँ कट करके देखना, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक बार ए से सी के बीच सेक्शन कट करके देखना, और एक बार सेक्शन यहाँ तक बी से सी के बीच यहाँ कट काट कर देखना, यानी कि ए से लेकर के बी तक की बात करना। तो पहले आप बात की x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल बाई टू तक के लिए, फिर x इक्वल टू एल तक के लिए, तो देखना आपको दो अलग इक्वेशंस मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, है ना, आप लोग ये चीज़ बिल्कुल करके देखना। अब देखना मैं यहाँ पर कट किया तो इक्वेशन क्या मिल रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है R1 ओके इनटू एक्स क्लॉकवाइज ओके, और इसके बाद माइनस ये जाएगा w जो है दिस इज द UDL ओके, दिस इज द UDL ओके। नाउ एक सेकंड को ठीक कर लें दो ये हो गया, ठीक है W ये आपके पास UDL की इंटेंसिटी है, तो इसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है हम लोग देख चुके हैं कैसे होता है, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कहाँ पर आएगा, मिड पे आएगा इसके UDL के, W इंटू एक्स इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हो जाएगा क्योंकि x लेंथ कंसिडर हुई है, और कहाँ लगेगा यहाँ से x बाई टू पे, तो मोमेंट आई थिंक आप लोग इजिली ले सकते हो, आप लोग इजिली मोमेंट जो है इसके ले सकते हो, क्लियर है। सो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये कैसा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। देन फिर ये भी है देखो पॉइंट लोड है P इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, है ना, अब ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। अब सोचना अगर आप सेक्शन यहां तक रखते, यहां तक है ना, यानी कि सिर्फ यहां तक का कंसिडर किए होते आप लोग, सिर्फ यहां तक का कंसिडर किए होते, अगर सिर्फ यहां तक का, सिर्फ इतना का कंसिडर किए होते, तो सेक्शन आप यहाँ पर रख रहे होते, यानी कि ए से सी के बीच में कहीं पर लेफ्ट टू राइट जा रहे होते, लेकिन ए से सी के बीच में रख रहे होते, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट लोड जब है तो कंसिडर नहीं हो रहा होता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप पॉइंट लोड के पहले तक सेक्शन काटे हो। तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के यहाँ तक का लोड जो है कंसिडर हो रहा होता। सो इफ यू राइट फ्रॉम ए टू सी के बीच का, यहाँ तो पॉइंट लोड है तो एक्जैक्टली सी पे सेक्शन कट नहीं हो सकता, तो सी के जस्ट पहले तक का, तो ए से सी तक ये जो बीच का जितना दिख रहा है, ए पे भी एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो एक इस पॉइंट लोड के जस्ट बाद, मैंने बताया ना कि सेगमेंट्स कैसे बनते हैं हर लेक्चर में बताया है, यहाँ पर पॉइंट लोड है तो यहाँ पर सेक्शन नहीं रखा जा सकता, सेक्शन जस्ट पॉइंट लोड के जस्ट आफ्टर रखा जा सकता है। फिर यहाँ पर सी पे एक पॉइंट लोड है पी, तो एग्जैक्टली सी पे नहीं रखा जा सकता, सी पे जस्ट बाद या जस्ट पहले रखा जा सकता है ना, जस्ट बाद या जस्ट पहले, जस्ट बाद इधर, तो इधर जाओगे तो आप सेकंड बीसी में पहुंच जाओगे, और एसी के लिए बात करें इस वाले रेंज की बात करें तो इसके पहले, तो फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट ऐसा, तो पॉइंट लोड के जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर ही डिस्कशन किया जा सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि पॉइंट पे आप सेक्शन नहीं गुजार सकते, पॉइंट को दो हिस्सों में काटा नहीं जा सकता, दैट्स अ मेथड ऑफ सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल एट द पॉइंट लोड। ओके, तो यहां पर मैं जब सेक्शन काटा ए से सी के बीच में तो ये तो रह जाएगा, तो जब ये रह जाएगा तो फिर ये क्या कर रहा है इक्वेशन में, है ना। सो अब मैंने बताया कि यही तो दिक्कत है कि जब आप पूरे बीम के लिए इक्वेशन लिखोगे सो यू विल नॉट गेट सच अ इक्वेशन विच इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन। तो हम क्या करेंगे इसको ना, इसको हम लोग एक कंपार्टमेंट में डाल देंगे,
दिस इज द सिंगुलैरिटी फंक्शन बेसिकली, ठीक है, इसको कंपार्टमेंट में डाल देंगे. नाउ ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है इस ब्रैकेट के अंदर या कंपार्टमेंट के अंदर, इसमें ये जो टर्म है इसको मैं बोलता हूँ x माइनस ए टर्म. x होगा x का कुछ कुछ भी, x के साथ कुछ भी हो सकता है, x माइनस ए, तो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू l बाई टू ऐसा होगा. तो यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू यहाँ पर l बाई टू है. तो ये जो टर्म है x माइनस ए वाला, जो भी इस कंपार्टमेंट के अंदर आता है, ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा, और भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि जितने पॉइंट लोड होंगे ना उतने बार ही आएगा, वैसे उतने बार ऐसे कंपार्टमेंट की ज़रूरत होगी. तो अभी इस पर ध्यान दो, तो ये जो सेक्शन था वो यहाँ पर कटा है ना. नाउ अगर मान लो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ, तो देखो अब जब ए से सी के बीच में, देखो फॉर फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी के बीच में आप देखते हो तो जो एक्स है दैट इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन एल बाई टू. तो आप ए से सी के बीच में, सी पे नहीं कट कर सकता इसलिए लेस देन एल बाई टू लिख रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू एल बाई टू नहीं लिख रहा हूँ, है ना, लेस देन इक्वल टू एल बाई टू नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक टैक्ली सी पे सेक्शन नहीं जाने वाला है क्योंकि वहाँ पॉइंट लोड है. तो यहाँ के लिए आप देखोगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर या बड़ी है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली जीरो पे भी आपके पास एक पॉइंट लोड है, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन एल बाई टू, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो. पहले भी हम लोगों ने शायद एक जगह ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू उसको भी ठीक कर सकते हैं, है ना, ये इसको भी ठीक कर सकते हैं, ये लो, ठीक है, देख लो इसको ठीक कर दिया है मैंने. अब ये हो गया आपके पास. अब देखो यहाँ पर ए टू सी के लिए, ए टू सी के लिए जब मैं बात किया तो x जो है जीरो से बड़ा है लेकिन l बाई टू से छोटा है, तो ये वाला जो ब्रैकेट की जो सॉल्यूशन होगी, जो सॉल्यूशन होगा इसका आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. अगर आप एग्जैक्टली l बाई टू चलो पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, जीरो. तो जब कभी भी इस x माइनस ए वाले टर्म्स की जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है की वैल्यू अगर नेगेटिव या जीरो हो जाती है तो इस कंपार्टमेंट को हम इक्वेशन से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. सो देयर इज अ लॉ टू एलिमिनेट दिस कंपार्टमेंट आउट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, कैसे, इफ एक्स माइनस ए दैट इज दिस टर्म एक्स माइनस ए, इफ दिस टर्म इज जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव, अगर ये टर्म की वैल्यू जीरो और नेगेटिव आई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. अब मुद्दा ये है कि हमको सिर्फ एम एक्स थोड़ा लिखना है, हम लोग तो ये लिखते हैं ना, दिस इक्वल टू ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, एंड फॉर द सॉल्यूशन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. तो उस कंडीशन में बोलोगे सर यहाँ तो स्क्वेयर आ सकता है, फिर क्यूब आ सकता है, वगैरह वगैरह. तो चाहे स्क्वेयर हो चाहे क्यूब हो, ज़्यादा मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोंट सी द पावर. आफ्टर इंटीग्रेटिंग इसके पास पावर्स आ सकती हैं, पावर टू, पावर थ्री, वट एवर जो भी आना होगा, कुछ पावर आएगा, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी आ जाएगा. सो डोंट लुक इन टू दैट, जस्ट सी द वैल्यू ऑफ द ब्रैकेट, इन साइड द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है एक्स माइनस ए, इसके ऊपर एन एच पावर हो सकती है, इसको आपको ओवर लुक करना है, ओवर लुक दिस, इसको आपको इग्नोर मारना है, इसको मार दो इग्नोर, ठीक है, इसको इग्नोर मारो, इसको ध्यान नहीं देना है. एक्स माइनस ए अगर नेगेटिव हुआ तो हम उस कंडीशन में इस कंपार्टमेंट को एलिमिनेट कर देंगे. ऐसा क्यों पता है, एक्स माइनस ए नेगेटिव होने पे सर हम लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि एक्स माइनस ए अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका स्क्वायर तो उसको पॉजिटिव बना देता है. अगर ऐसा आपके मन में कुछ आ रहा है तो इधर देखो बेटा, एक्स माइनस ए जहां पर ए, यहां पर मेरे क्वेश्चन में एल बाई टू है ना, ये निगेटिव आने का मतलब क्या है, ये निगेटिव आने का मतलब ये है कि आप जो हो ना, आप ए टू सी में हो, और ए टू सी में ना ये चीज़ आती ही नहीं है. जब आप ए टू सी के बीच में रहोगे तो ये वाला टर्म आता ही नहीं है. तो अगर आपको डिफ्लेक्शन या स्लोप ए से सी के बीच का चाहिए होगा तो आपको इस टर्म की कोई नीड ही नहीं है. दैट इज़ वाई इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन. दैट इज़ वाई सिर्फ एक्स माइनस ए अगर निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि आप जो हो ना वो ए से कम वैल्यू पे हो. एक्स के जो वैल्यू दैट इज लेस देन ए, दैट मींस आप लोग ए को क्रॉस नहीं किए हो. दैट मींस ये वाला जो कंपार्टमेंट है इट मस्ट बी एलिमिनेटेड. ए दैट इज एल बाई टू, एल बाई टू से ज्यादा हो गए तो इधर हो आप लोग,
एल बाय टू से कम हो तो आप इधर हो, और जब आप इधर हो यानी कि सेक्शन आपका इधर है तो ये तो है ही नहीं, आपकी पार्टी में इन्वाइटेड ही नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करेंगे. सो जैसे ही एक्स माइनस ए जो होगा, एक्स माइनस ए जो होगा अगर निगेटिव आएगा, एलिमिनेट दिस. अगेन एक और चीज, वाइल इंटीग्रेटिंग, ओके वाइल इंटीग्रेटिंग x माइनस ए, जैसे आपके पास रेस्ट पावर n है तो इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, जैसे कि x माइनस ए का स्क्वायर हो सकता है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कि ब्रैकेट को ओपन नहीं किया जाता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x माइनस ए रेस्ट पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जस्ट इसका यही सीधा इंटीग्रेशन होता है. क्लियर बात है? तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रूल है इसका, और इसके बिना ये पूरा का पूरा मैथ जुड़ा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा. तो जो मैंने आपको रूल बताया उस रूल के अंदर भी रूल्स हैं. तो सेकंड रूल है टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एम एक्स, इसके अंदर भी आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट आपके पास रूल्स हैं. सो पहला रूल क्या, एम एक्स जब आप काटते हो तो पहला तो रूल जो आपको मैंने सेक्शंस का बताया है कि कैसे आपको सेक्शंस लेने हैं. दूसरा रूल क्या, ये जो एक्स माइनस ए वाला रूल है वो मैंने आपको बताया. फिर एक्स माइनस ए का जो इंटीग्रेशन वाला रूल है वो मैंने आपको बताया. तो ये दो चीज़ का ख्याल रखना. नाउ इसमें रूल नंबर थ्री जो है दैट इज हालांकि रूल नंबर 3-4 हम लोग तो पहुँच ही गए, ठीक है, लेकिन एक रूल 3 मैं बता रहा हूँ आपको अलग से, क्योंकि दो रूल्स तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो अब नेक्स्ट जो रूल है वो रूल नंबर 3. यहाँ पर आपके पास क्या है, दैट इज फॉर मोमेंट्स और यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स के लिए ध्यान रखना. अब मुद्दा ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट भी तो क्या है, जस्ट बिफोर एक सेक्शन उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो एक कैंटिलीवर लिया मैं, देखो इसमें इस तरह से ना एक पॉइंट लोड लग रहा है और उसके बाद इस तरह से एक मोमेंट लग रहा है एम, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है आपके पास एम, एम वन बोल देता हूँ. यह है ए, ये है बी और ये आपके पास है सी. ओके, नाउ इस कंडीशन में अगर आप बोलते हो दिस इज ए दिस इज बी, ये टोटल लेंथ आपके पास L है. ओके, आप सेक्शन कट करते हो इस तरह से सेक्शन कट करते हो, दैट मीन्स आप कहाँ पर हो, आप x ग्रेटर देन, यहाँ से आप लोग राइट हैंड से स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि कैंटिलीवर में फ्री हैंड से स्टार्ट करते हैं, तो ये राइट हैंड, ये आपका x इक्वल टू 0 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a, ये आपके पास रेंज होगा ए बी का, फॉर ए बी. देखो ये ए बी के लिए ये वाला रेंज होगा ना. अब इस बीच में जब आप सेक्शन कट किए हो, ये आपके पास सेक्शन है यहाँ से एग्जिस्टेंस पे फ्री एंड से, सो ओनली दिस लोड इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड, एक ही लोड कंसीडर हो रहा है. तो जब आप ए से बी की बात कर रहे हो तो ओनली दिस मच मोमेंट दैट इज एम एक्स फॉर ए इंटू बी लिख रहा हूँ, देख के समझ आ जाएगा, माइनस पी इंटू एक्स, माइनस इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव हॉगिंग, तो ये बस आ रहा है आपके पास, ठीक है. लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो, आप सेक्शन यहाँ काटते हो, तो यहाँ से लेकर के x इक्वल टू 0 से यहाँ एक्जिस्टेंस तक आप एक सेक्शन काटते हो, यानी कि अब आप इंटायर रेंज की बात करो, पूरे बीम को अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सारे लोड्स को कंसिडर कर लिए, तो आप लोग देखोगे अब जो सेक्शन यहाँ पर बना आप लोगों का, सेक्शन वैसे ही काटना है हमेशा, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स विल गेट कंसिडर्ड. सो दिस लोड हैज़ बीन कंसिडर्ड. नाउ यहाँ पर सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा, यू कैन नॉट कंसिडर दैट बिकॉज दैट इज कंसंट्रेटेड, फॉर दैट यू हैव टू मूव आफ्टर द लोड, तो बीम में रहते हुए उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, और उसको कंसिडर फिर हम लोग का नहीं कर पाएंगे, तो टोटल आप लोग n माइनस टू वाले चीज पे आ गए, यहाँ पर रिएक्शन फिक्सिंग मोमेंट mr, ठीक है, तो दो छूटने वाले हैं उनको जाने दो, तो ये दो आपके कंसिडर होने ही होने हैं, ठीक है. तो जब कैंटिलीवर की बात करोगे तो ये समझ जाओ कि आप सेक्शन बीम में रखते हुए आप बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी इसको कंसिडर नहीं कर पाओगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो फिक्सिंग मोमेंट है और जो सपोर्ट रिएक्शन है यहाँ पर, ये हमेशा आपका मिस होने वाला है कैंटिलीवर के केस में, ठीक है. सो आप लोग यहां पर सेक्शन काटे ए से सी तक के लिए, सो फॉर ए टू सी अगर आप लिखते हो, यानी कि पूरे ए से सी मतलब पूरा एल रेंज तक के, स्टार्टिंग टू एंड तक के लिए अगर आप लिखते हो, तो जीरो से आप एल तक के हो, जीरो से एल तक के रेंज, दैट इज फ्रॉम ए टू सी की आप बात कर रहे हो, फ्रॉम ए टू सी. तो जब आप फ्रॉम ए टू सी हो, है ना, तो इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, ये एक्स डिस्टेंस भी देखो, तो एम एक्स लिख रहा हूं मैं यहां पर,
एम एक्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दैट विल बी माइनस पी इंटू एक्स, माइनस पी इंटू एक्स। अब ये देखो, ध्यान देना ना, हम लोग जो नियम बनाए हैं, मैंने आपको दिखा दिया, देखो जादू दिखा दिया आप लोग को भैया कि ए से बी तक के लिए ये इक्वेशन बनता है ना, ये जस्ट मैं इसको लिखाता हूँ ताकि आप प्रूफ चेक कर पाओ पहले से। अभी देखो एम एक्स जब मैं लिखता हूँ, जो कि मेरा रूल नंबर वन है कि हाउ टू कट द सेक्शन, दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड हैज़ टू बी कंसीडर्ड, तो वो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने एम एक्स कट कर दिया, सेक्शन कट कर दिया, अब मैं एम एक्स लिख रहा हूँ। तो माइनस पी इन टू एक्स एंड देन दिस कैसा है, क्लॉक वाइज नेगेटिव एम वन। अब मोमेंट का तो मोमेंट लेते नहीं है ना, मोमेंट का मोमेंट होना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट ले लिया, मोमेंट का मोमेंट से हम लोग नहीं लेते हैं। अब देखो जब आप रूल नंबर वन को फॉलो किए मेरे सेक्शन काटने के और रूल नंबर टू को फॉलो किए, फिर आप एम एक्स लिखे, तो ये जो था ये वाला प्रॉब्लम विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आपके पास आ गया। तो मैं मोमेंट और कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट वाला जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देख रहे हो। अब आपने जब एक बार इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, अब आपको कुछ पूछा, जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट अस से यहाँ से कोई पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा कचड़ा वाला इसको थोड़ा उधर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि अब इस बीम में ऑफ लेंथ एल, ओके, यहाँ पर इस तरह से ए डिस्टेंस पे आपके पास मोमेंट लग रहा था, दिस इज पॉइंट लोड, ओके। नाउ यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, लेट अस से दिस इज ए बाई टू, इस पॉइंट पे मैं आपको लेट अस से स्लोप, है ना, स्लोप या फिर कह लीजिए कि डिफ्लेक्शन पूछा, स्लोप या डिफ्लेक्शन ऐसा कह लीजिए कि मैंने आपसे पूछा, तो फिर क्या कर पाओगे आप लोग, आप लोगों को उस कंडीशन में जो इक्वेशंस होंगे, यू हैव टू पुट x इक्वल टू a बाई टू, x इक्वल टू a बाई टू। अब आपको जैसे मैंने y का इक्वेशन बोला है, यानी कि डिफ्लेक्शन निकालना था, आपको e i y की नीड है, इसके लिए आप दो बार इंटीग्रेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, दो बार इंटीग्रेशन इसमें परफॉर्म कर चुके हो, तो जो इक्वेशन होगा आपके पास, आ रही क्या बात समझ में, जो इक्वेशन आपके पास होगा उसमें आपको x इक्वल टू ए बाई टू आपको पुट करना है। नाउ अगर आप जैसे इसमें देखो एम एक्स के इक्वेशन में ही देख लो कि अगर इसमें a बाई टू पुट करते हो तो माइनस पी इंटू ए बाई टू तो आ जाता है, लेकिन ये m1 तो जबरदस्ती घुसे जा रहा है, मैं तो सेक्शन यहाँ काटा हूँ, तो यहाँ x इक्वल टू जीरो ये रहा, ये x इक्वल टू समथिंग जो भी एक्जिस्टेंस है यहाँ ये रहा, तो इतना ही डिस्टेंस का लोड कंसिडर होना चाहिए क्योंकि मैं a से b तक हूँ, लेकिन ये तो जबरदस्ती बिन बुलाए बराती की तरह आ रहा है इक्वेशन में, तो ये तो हो गया ना मेरा नुकसान। अब मेरा आंसर हमेशा गलत आएगा, अब मेरा आंसर हमेशा गलत आएगा, क्यों, क्योंकि भाई मैंने तो इसको कंसिडर कर लिया है, मैंने जो रूल नंबर वन बताया, रूल नंबर टू बताया, उसके हिसाब से चला और मैंने एम एक्स लिख दिया है, अभी एम एक्स जो है सही है, एम एक्स इज गुड, ओके। बट जब आप इसको किसी दूसरे रेंज के लिए बात कर रहे हो, तो ये कहीं भी लिख लो, अब एक्स आप चाहे यहाँ पर के लिए लिखो, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट करो, या इस वाले लोकेशन के अकॉर्डिंग पुट करो, एम वन हर जगह दिख रहा है, जबकि इस वाले सेक्शन में तो M1 आएगा भी नहीं, कंसिडर ही नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ तो M1 तो आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिख रहा है, तो अब यहाँ फंस गए। तो दैट्स आर रूल नंबर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर थ्री क्या है कि जब आप लोग मैक्वेलिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए किसी बीम के लिए MX का इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, सो उस दौरान इसका बहुत ख्याल रखना, जैसे कि ये वाला जो प्रॉब्लम था पी, ओके, यू हैव कंसिडर्ड मोमेंट M1, दिस डिस्टेंस is a, this distance is l, तो जब आप सेक्शन काटोगे इस तरह से काटोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स कंसिडर हो, तो सेक्शन आप यहाँ काटोगे लाइक दिस, दिस विल बी x, ओके। सो अगेन मैं लिख के दिखाता हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ रूल नंबर थ्री उसके अकॉर्डिंग, तो पहले तो जो लोड है उसका लिख दो, तो माइनस पी इन टू एक्स, नाउ माइनस क्या आएगा m1, नाउ इस m1 के साथ क्या करोगे, m1 के साथ इस सेक्शन का डिस्टेंस देखो, तो सेक्शन से M1 का डिस्टेंस कितना है, देखो बेटा ये है x माइनस a, अब x माइनस a का मैं मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता क्योंकि मोमेंट का मोमेंट नहीं लिया जा सकता, तो मैं जानता हूं कि जो x माइनस a है इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं x ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन a के रेंज में रहूंगा, तो ये जो x माइनस ए वाला टर्म है ये क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा, और मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि अब वो जो कंपार्टमेंट है उसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो इसलिए x माइनस ए इक्वेशन दिखना जरूरी है मेरे लिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन से पोर्शन ऑफ इक्वेशन को हटाना है, यानी इक्वेशन से कितना टर्म्स, कितना पोर्शन एलिमिनेट करना और कितना रहने देना है, इसके लिए x माइनस ए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट यहाँ अभी तक के नहीं आ रहा था, तो ये जो x माइनस ए है मैं m1 में मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता टेक्निकली, क्योंकि मोमेंट का फिर एक और मोमेंट हो जाए, मोमेंट
न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस मीटर दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एम जो है इसके साथ एक चीज छुपी हुई है, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके साथ वन का हमेशा मल्टीप्लाइड रहता है, वन हमेशा मल्टीप्लाइड रहता है। तो यहाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए को कंसिडर कर सकता हूँ, कर दिया, गलत हो गया। अब मैं इसको अपनी गलती को सुधार दिया, इसकी पावर क्या कर दिया, जीरो कर दिया, पावर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, वन है, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये एक यूनिट है, ये वन है, इट इज जस्ट वन, नथिंग एल्स बट वन, ठीक है। तो ये एक्स माइनस ए रेस टू पावर जीरो डायमेंशनलेस है, दिस इज डायमेंशनलेस। नाउ जब मैं इस इक्वेशन, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, इसको ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना है, दो बार इंटीग्रेट करना है फॉर सॉल्यूशन, तो दो बार इंटीग्रेट करूंगा, फर्स्ट इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन यानी कि एक्स माइनस ए रेस टू पावर वन आ जाएगा, सेकंड टाइम इंटीग्रेट करूंगा एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये, तो ये एक्स माइनस ए अब रहेगा। नाउ अगर मैं लेस देन ए की वैल्यू पे हूँ, एक्स लेस देन ए पे हूँ अगर मैं, तो डेफिनेटली फिर ये निगेटिव आएगा और मैं इस टर्म को एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो हमेशा याद रखना जो भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आपको दिखेगा मिड में कहीं भी बीम के, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड मोमेंट का जो डिस्टेंस है आप मल्टीप्लाई करोगे, बट जो डिस्टेंस है उसकी पावर क्या रखोगे, जीरो रखोगे, किसके इक्वेशन में, एम एक्स के इक्वेशन में, एंड यू विल इंटीग्रेट द इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन टू टाइम्स इंटीग्रेट करोगे इस पूरे के पूरे इक्वेशन का, ओके, टू गेट द स्लोप इक्वेशन एंड अ डिफ्लेक्शन इक्वेशन। नाउ जैसे मैंने बताया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो होता है दैट इज योर स्लोप दैट इज टेन थीटा, बट थीटा जो होता है स्लोप जो होता है दैट इज वेरी स्मॉल, सो टेन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो सिंपल मैं जो स्लोप आएगा उसको टेन थीटा ना लिख करके सीधा थीटा भी लिख सकता हूँ, और इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो रेडियंस में होगी, रेडियंस में होगी, ओके। सो दिस, तो अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज योर रूल नंबर फोर, जो लास्ट रूल है आप लोगों के पास, रूल नंबर फोर जो है इसका मैकवेलेंस मेथड का, दैट इज रिगार्डिंग दी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, स्पेशली हम लोग को जो बीम में देखने को मिलता है दैट इज योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो बस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए बात करते हैं किसी भी यूडीएल या यूवीएल के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि एक बार सेक्शन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसिडर हुआ है सो इट मस्ट रिमेन विथ द सेक्शन। दैट मीन्स जैसे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ध्यान देना, जैसे कि एक सिंपलीसिबल बीम बनाया, इसमें यहाँ आधे डिस्टेंस तक के बस इस तरह से यूडीएल लगा है, इस तरह से आधे डिस्टेंस तक, एंड दिस, अब देखो बोलो सर इतना क्यों पढ़ा बेटा, ये सब आप लोगों को कोई कन्वेंशनल एग्जाम आप देते हो जैसे कि एसी का कन्वेंशनल पार्ट अगर आप लोग को देने को मिला, आपका प्री निकल गया, तो वो सब केस में आपके काम भी आएगा, और ये सब चीज़ें आप लोगों को पता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये आखिरी रास्ता है, किसी मेथड से नहीं बना पा रहे हो तो इससे तो पक्का बना डालोगे, ये आखिरी रास्ता होता है, ये आखिरी, इसको कभी भी इस मेथड को फर्स्ट चॉइस मत बनाना, क्योंकि ये मेथड आप लोगों का थोड़ा लंबा है बाकी मेथड के कंपेयर में, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, लेकिन ये सब जगह लग सकता है, सब जगह इसको लगाया जा सकता है एज लॉन्ग एज द बीम इज प्रिज्मेटिक, आप बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकते हो। प्रिज्मेटिक बीम्स मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आप लोगों का कॉन्स्टेंट है, होमोजीनियस बीम है आपके पास, यानी कि जो ई आई है इसका, ई आई क्या है इसका, कॉन्स्टेंट है, तो उस कंडीशन में आप लोग के लिए बहुत आसान होगा, चाहे कितने भी लोड लगा दो आप बहुत आराम से बना पाओगे, उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी आप लोगों को, है ना। तो इसलिए मैं इस मेथड को बता रहा हूँ कि कभी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया गेट पे फंसाने वाला तो आपको मझधार से यही जो मेथड है वो उबारेगा, हालांकि लंबा है मेथड बट ठीक है, ओके। ऐसा कुछ भी बना दिए, मैंने इस तरफ हिंज लगा दिया, आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। नाउ मैंने बोला कि ऐसा UDL किसी सर्टन डिस्टेंस तक लगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि अब L बाई टू पर लगा है, बोला मैं ऐसा, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी दूसरे, मतलब आधा अधूरा UDL है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बीच में कहीं आधा लग गया हो, इस तरह से क्या करोगे ऐसे केस में, ठीक है, एक सर्टन डिस्टेंस इस तरह से A ले लियो, इस तरह से लगा हुआ, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना रूल नंबर फोर कि जो UDL है एक बार अगर वो सेक्शन में कंसिडर हो गया है, तो जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट किए, सपोज आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किए हैं, तो आपका x इक्वल टू जीरो हो गया, x इक्वल टू एल हो गया, नाउ योर सेक्शन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो आप देखो जब जैसे आप सेक्शन यहाँ पर रखे आपके सेक्शन में ये UDL कंसिडर हो गया, दिख रहा है ना, आप इतना एग्जिस्टेंस लोगे तो ये एग्जिस्टेंस का UDL आ गया ना स्टोरी में, तो ये UDL एक बार सेक्शन में कंसिडर हो गया
तो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक फिर ये दिखना चाहिए। अब देखो आप यहाँ अगर आ गए तो UDL का साथ छूट गया, ठीक है, UDL अब आपके पास नहीं है, ठीक है, UDL अब आपके पास नहीं है, तो इससे क्या होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। पता है कैसे इक्वेशन चेंज हो जाएगा? देखो जैसे कि आपने देखो यहाँ तक आपने एक्जिस्टेंस लिया है ना, अगर आप यहाँ पर देखो बोलो मैं ए बी सी, यहाँ पर जो रिएक्शन है आर ए है, यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट इज आर सी है, इस तरह से बोला मैं। तो जब आप इस जगह पे हो ए से बी के बीच हो तो ए से बी के लिए इक्वेशन लिख करके देखो एक बार, तो आ जाएगा एम एक्स, ठीक है, आर ए आप लोगों के पास जो आ रहा होगा इस तरह से ऊपर की तरफ आ रहा होगा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ऊपर तरफ आ रहा होगा, तो इक्वेशन लिखा मैं तो जाएगा आर ए ओके इंटू एक्स क्लॉकवाइज है माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये ए से बी के बीच के लिए बनेगा। अगर आप सेक्शन काटते हो कोई भी तो उस कंडीशन में यह बनेगा आप लोगों का इक्वेशन। अब चेक करना तो ए से बी के बीच बना करके क्या आप लोग का ये आ रहा है, हाँ या ना कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब आप अगर यहाँ सेक्शन काटते हो यानी कि आप ए से सी तक के लिए पूरा ले रहे हो, मतलब यहाँ तक के लिए ले रहे हो, ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन आप लोग के पास निकल करके आ रहा है दैट इज एम एक्स इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, ठीक है। अब UDL की बात करें तो UDL की देखो अब सेक्शन तो यहाँ है आपका, ठीक है, ए से सी के यानी कि बी को क्रॉस करके आप सेक्शन आगे तक लेकर के गए, तो आपका जो x इक्वल टू जीरो से लेकर के यहाँ तक एक्जिस्टेंस आपने अब ली है, यानी कि पूरे लगभग आप लोग मैक्सिमम रेंज जो है x इक्वल टू जीरो टू x जीरो से l तक का जो है वहाँ तक के लिए आप एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हो ए सी के लिए पूरा। तो आप देखो यहाँ से आर ए इंटू एक्स हो गया एक, नाउ ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ओके ये आप लोगों को नहीं पता है, देखो ये डिस्टेंस आप लोगों को एग्जैक्टली पता है क्या? आपको नहीं पता है, आपके पास ये x डिस्टेंस है, ठीक है, ये x डिस्टेंस है, ये आप लोगों के पास अब देखो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना है लिख सकते हैं आर एक्स आर ए इंटू एक्स, सॉरी आर एक्स लिख दिया हूँ आर ए इंटू एक्स, फिर ये हो जाएगा w, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज देगा ये, तो w इंटू द लेंथ ऑफ UDL, लेंथ ऑफ UDL कितना है l बाई टू, लेंथ ऑफ UDL कितना है l बाई टू है यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट लोड है इसका W इंटू एल बाई टू वो यहाँ पर लगेगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी x माइनस दिस वैल्यू, दिस विल बी व्हाट, ये बीचों बीच लग रहा है L बाई टू दैट मीन्स L बाई फोर, तो x माइनस L बाई फोर, देखो इक्वेशन चेंज हो गया, ये माइनस इक्वेशन चेंज हो गया ना, तो अब ये इक्वेशन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, बोल रहा हूँ कि एक बार जो सेक्शन में UDL आपके, जबकि UDL में ऐसा नहीं होना चाहिए, UDL इज़ नॉट अ डिसकंटिन्यूअस लोड, UDL जो एक कंटिन्यूअस लोड है, पॉइंट लोड डिसकंटिन्यूटी देता है, यानी कि पॉइंट लोड के बाद इक्वेशन चेंज होता है समझ आता है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है That is a continuous loading. यहाँ से लेके यहाँ तक मस्त continuous loading है. So this must not form a discontinuity in the beam. तो इस चीज़ को avoid करने के लिए हम क्या करेंगे, section या तो ऐसा cut करो कि एक बार section में जो UDL आए वो section जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक रहे. जैसे कि इस question में अगर आप एक थोड़ा सा एक choice लो आप, जैसे कि आपके पास जो UDL इस तरह से लगा हुआ है, this is the left hand support RA, this is RC, इस तरह से This is B, this is A, this is C. तो इसमें अगर आप एक चॉइस लो कि आप लोग यहाँ पर राइट से लोगे x इक्वल टू जीरो, तो आप सेक्शन अगर यहाँ कट करते हो तो देखो इस तरह से क्या होगा, सेक्शन अगर राइट टू लेफ्ट चलेगा आप देखो तो क्या होगा, सेक्शन राइट से मूव करते करते आएगा, देन इट विल मूव ओवर दी UDL, एंड UDL एक बार B पे कंसिडर होगा, B पे कंसिडर होना चालू हुआ, B से इसकी जोड़ी बनी, दोस्ती हुई सेक्शन के साथ, अब आगे तक वो रहेगा, सो दैट मीन्स आप लोगों को अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो राइट टू लेफ्ट आप चले गए ऐसे केस में, है ना, ऐसे केस में आप राइट टू लेफ्ट चले गए, तो इससे अब आप लोगों को कोई अब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर द रूल नंबर 4 दैट वंस अ UDL इज कंसीडर्ड इन द सेक्शन इट मस्ट गो अप टू द फाइनल लिमिट दैट इज x इक्वल टू एल, ठीक है। सो UDL once a UDL is considered in section
इट मस्ट ओके रिमेन विथ द सेक्शन, इट मस्ट रिमेन विद द सेक्शन, ठीक है। तो इनका एग्रीमेंट है आपस का। अब मान लो चलो कि आपको नहीं सर, मैं अपने को तो लेफ्ट टू राइट का ही समझ आता है, मुझे राइट टू लेफ्ट का समझ नहीं आता सर, मैं नहीं चलना चाहता, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू चेंज योर साइड, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू मूव लेफ्ट टू राइट ऑल द टाइम, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप दूसरा एक रास्ता ले सकते हो, दैट इज टू इंड्यूस डमी लोड। तो आप डमी लोड का इस्तेमाल करोगे, डमी UDL, डमी UDL का कंसेप्ट बताता हूँ आपको, डमी UDL क्या होगा। तो डमी UDL कैसे हम लोग ऐड करेंगे, देखो इस मैं क्या बोला, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो ए पे जो है सेक्शन ए, ए से आप लोग स्टार्ट करो, दिस इज x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सेक्शन में आपके पास UDL कंसिडर होना चालू हुआ, बट B के बाद अब UDL नहीं है, तो ये जो रूल है वो स्पॉइल हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग ना जो UDL है उसको स्ट्रेच कर देते हैं, सेम UDL, ये जो W लगा हुआ था UDL, सेम UDL में लास्ट तक लेके चला गया, बट इससे तो बीम की लोडिंग कंडीशन चेंज हो गई। तो ये जो लोड लग रहा है कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये जो जितना लोड मैंने ऐड किया है उतना लोड में हम नीचे से ऊपर लगा दूँ, तो ये इस तरह से मैं नीचे से ऊपर लगा दिया एक लोड, तो नीचे से एक UDL लगा दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, दे विल कैंसल ईच अदर। नाउ ये UDL हो गया यहाँ से लेकर के आखिरी तक, ये देखो। नाउ इफ़ यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सेक्शन में ये कंसिडर हो रहा है, देखो और ये लास्ट तक के रह रहा है, सेम वैसी जो आपका ये एक्स्ट्रा वाला जो आपका नीचे से आया, ये B पे कंसिडर हो रहा है देखो, और उसके बाद एक बार कंसिडर हुआ B पे, और देन इट इज टिल द एंड ऑफ द सेक्शन। तो हमारा जो रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि एक बार कंसिडर हो गया किसी भी पॉइंट पे, तो फिर साथ नहीं छोड़ सकता बीच में। जैसे कि यहाँ पर ये स्टार्ट किया कनेक्शन, ये सेक्शन में कंसिडर हुआ, सो इट मस्ट रिमेन अप टू x इक्वल टू एल, अप टू x इक्वल टू एल, ये x इक्वल टू एल हो जाएगा लेफ्ट टू राइट के लिए, वो x इक्वल टू जीरो लिखा था, वो राइट टू लेफ्ट के लिए लिखा था, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो डमी UDL का मैंने आपको लॉजिक बताया, तो यू कैन ऐड एंड रिमूव, ये ऐड हुआ और मैंने रिमूव भी कर दिया एट द सेम टाइम, ऐड एंड रिमूव, तो नल एंड वॉइड हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से आप डमी UDLs का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। सो एक बार अगर UDL कंसिडर हो गया है तो वो हमेशा उसी में सेक्शन में हमेशा कंसिडर रहना चाहिए। अगर आप देख सकते हो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही UDL सेक्शन से हट जा रहे, तो आप राइट टू लेफ्ट जाकर के चेक कर लो क्या उसमें ये जो रूल नंबर 4 है वो सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर मान लो दोनों से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो कि सेकंड मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था ये वाला, इस तरह से बीच में थोड़ा सा लगाओ UDL, इस तरह से बीच में थोड़ा सा UDL लगा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब तो लेफ्ट से जाओ तब भी वही हालत होगी, राइट से जाओ तब भी वही हालत होगी, तो अब तो आपको मजबूरी है कि आपको डमी लोड लेना पड़ेगा। तो डमी UDL मैं क्या करूं, मुझे तो लेफ्ट टू राइट जाना अच्छा लगता है, तो मैंने x इक्वल टू जीरो लेफ्ट से ले लिया, इस तरह से मैं मूव करना चालू किया, नाउ यहाँ पर साथ छूट रहा है फिर UDL क्या, तो आई विल ऐड सम UDL एंड एट द सेम टाइम आई विल रिमूव सम UDL, ठीक है। तो ऐड एंड रिमूव डमी लोड मैंने यहाँ पर ऐड करे, ऊपर से इतना लगाया नीचे से भी ऊपर की तरफ उतना ही लगा दिया। नाउ आई विल कट द सेक्शन ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि देखो कैसे सेक्शन यहाँ पर क्यों काटेंगे, मैंने जो रूल नंबर 1 बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स कंसिडर होने चाहिए, तो देखो एक लोड R1, ठीक है, ये ऊपर वाला, अब ये UDL मैंने जोड़ दिया ना एक साथ, तो ये एक सिंगल UDL हो गया है, इसको मत बोलना ये आधा और ये आधा, आधा आधा करके कंसिडर करके इक्वेशन में टर्म्स में बढ़ाना, आपने इस UDL को क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया है, तो इतना आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, इसलिए आपने नीचे से इतना यहाँ पर घटाया भी है, जैसे कि दो जोड़ के इक्वेशन में दो माइनस कर दो, सेम वैसा ही है ये, ठीक है। तो ये एक सिंगल UDL है, तो दिस इज फर्स्ट लोड, सेकेंड लोड, थर्ड लोड, और ये सपोर्ट फोर्थ लोड, ऐसा। तो देखो आपने जब सेक्शन काटा तो 1, 2 और ये 3 कंसिडर हो रहा है, तो इस तरह से आप लोगों को ख्याल रखना होगा। सो दिस इज द रूल्स फॉर द मैक्वालिस मेथड, एंड आप लोगों को ये सारे रूल्स पता होना चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर मैक्वालिस मेथड। नाउ काफी कन्वेंशनल अप्रोच है मैंने बताया, लेकिन हम लोगों ने सारा अच्छे से डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आगे का टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है EID²y/dx²=mx, तो उसके लिए डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने मैक्वालिस मेथड देख लिया, ठीक है। अब उसमें जो बाउंड्री कंडीशंस हम लोगों को यूज़ करनी होगी फॉर डिफरेंट बीम्स लाइक कैंटिलीवर, ओवरहैंग, सिंपली सपोर्ट, कैसे हम लोग देख सकते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो सब देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है।
तो बच्चों जो बाउंड्री कंडीशन है मैथमेटिक्स में लोग जानते हैं, जब हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं कभी भी, तो हम लोगों को कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग इसी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने किया, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मैथड विच इज मैक्वालिस मैथड ऑल्सो, तो उसमें हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया। तो दो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए हुए हैं, एक स्लोप इक्वेशन में है और फिर दो जो है आपके सी वन सी टू वो आपके पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन में होगा। दोनों की वैल्यू आप लोगों को सी वन सी टू की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडेफिनेट, तो दो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने हैं, दोनों की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम से। ओके, कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंटिलीवर बीम हम जानते हैं एक एंड पे फिक्स होता है इस तरह से और एक एंड पे फ्री होता है। तो ये हुआ इसका फिक्स एंड, ये रही आपकी बीम और ये हुआ इसका फ्री एंड। नाउ लेट अस से कोई लोड कैरी किया हुआ है, तो मैंने जस्ट एक लोड बना दिया फॉर सेक ऑफ डिस्कशन। इस तरह से इसके ऊपर एक मैंने UDL लगा दिया, दिस इज द UDL W पर यूनिट रन, ठीक है, W पर यूनिट रन का इसके ऊपर एक UDL मैंने लगा दिया। इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लोड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल लोड होगा, कोई भी नंबर ऑफ लोड इस पर हो सकते हैं। जिसके भी मैंने एक लगाया, इस पर आप और नंबर ऑफ लोड्स भी लगा सकते हो, ठीक है। नाउ जनरली मैंने बात करी कि जो कैंटिलीवर बीम है, स्टार्टिंग से बोला कभी भी उसके लिए फ्री एंड से स्टार्ट करते हैं बिकॉज दैट इज ईजी पार्ट। अदरवाइज आप चाहो तो इस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस, दैट इज जो यहाँ पर रिएक्शन आता है और ये जो फिक्सिंग मोमेंट आता है, जस्ट फाइंड आउट दीज टू वैल्यूज। इसका सेक्शन काट लो, आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका सपोर्ट करा दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और लेफ्ट टू राइट करके आप भी कर सकते हो सॉल्यूशन। वैसे भी किया जा सकता है, दोनों से आपको सॉल्यूशन आंसर जो है सेम मिलेगा। अब देखना अब क्या है सॉरी अब यहाँ पर हम लोग हमेशा फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दैट इज ईजी। गेट में वैसे भी हम लोगों को अगर नीड रही तो हम लोग जो थोड़ा जल्दी बनेगा, जो ईजी होगा उस पर जाएंगे, ना करके कोई लेंदी अप्रोच हम लोग पकड़ लेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दैट इज हम उस पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जो कि थोड़ा आसान पड़ेगा हम लोगों को, दैट इज फ्री एंड। तो कैंटिलीवर के लिए कभी भी हम लोग जब BMD बनाते हैं तो फ्री एंड से बनाते हैं, तो फ्री एंड वाला ही फॉलो करते हैं, लेट्स नॉट चेंज द रूल्स। ओके, अपने बनाए हुए रूल हम नहीं तोड़ेंगे। तो हमने तो खुद ही रूल बनाया है कि भैया हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट। नाउ यहां से स्टार्ट करना है, सो इन दिस डायरेक्शन यू विल बी मूविंग, सो दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज दिस इज x इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी x इक्वल टू l। नाउ x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू l के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो y है, y जो है, ठीक है, y, दिस इज x डायरेक्शन, ओके, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन, आप इस तरफ मूव कर रहे हो, ओके, दिस इज y डायरेक्शन लाइक दिस। तो आपको जो y है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। व्हाट इज y? y इज डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी x लोकेशन पे आप लोगों को जो है एक पर्टिकुलर y की वैल्यू मिलती है। y क्या है? x का फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x, अलग अलग x पे y की अलग अलग वैल्यू है। सिमिलरली हियर dy by dx इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, यानी कि जो स्लोप है dy by dx इज स्लोप, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, क्लियर बात है। सो आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन जो है मिलने वाले, चाहे वो कैंटिलीवर हो चाहे वो कोई भी दूसरी बीम हो, क्लियर बात है क्या? तो इसको हटा देता हूँ, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। सो हम लोग अलग अलग लोकेशन पे कोशिश करेंगे y और dy by dx निकालने की। नाउ फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, इसका नाम ही कॉन्स्टेंट है, तो अगर किसी पॉइंट पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, सो थ्रू आउट द रेंज दिस टर्म्स C1 C2 विल हैव अ सेम वैल्यू। तो अगर मान लो C1 मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ जो C1 आएगा वो C1 पूरे बीम के लिए वैलिड होगा, क्योंकि दिस कॉन्स्टेंट, इसलिए है ना कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स एट एनी वैल्यू ऑफ x इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है, ये x का फंक्शन नहीं है। तो C1 C2 जो है दे आर नॉट फंक्शन ऑफ x। तो कहीं पर भी आप एक बार निकाल लिए C1 C2, तो आपका थ्रू आउट वही वैल्यू रहने वाली है C1 C2 की। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, ये कब निकल सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास y का इक्वेशन है और dy by dx का इक्वेशन है, उसमें ये C1 C2 आए हुए हैं। तो ऐसे लोकेशन जहां मुझे y के x करस्पॉन्डिंग y और x करस्पॉन्डिंग dy by dx एज नोन हो, उन पॉइंट्स पे मैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूं, दे आर नोन एज बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन वो होते हैं जहां पर आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो बाउंड्री कंडीशन मैथमेटिक्स की भाषा में किसको बोलते हैं? जहां पर जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दोनों की वैल्यू जिस पॉइंट्स पे नोन होती है बाय डिफॉल्ट किसी कारण से,
उसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो कैंटिलीवर में चलिए उन्हीं चीजों की हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, सर्च करते हैं कि कहां पर हमको वैल्यूज नोन है। तो जैसे कि यहां देखता हूं मैं कैंटिलीवर, तो x इक्वल टू l व्हिच इज द फिक्स्ड एंड, तो ये सपोर्ट वाला पॉइंट है। यहां पर बीम के पास एक फिक्स सपोर्ट है, तो आप कितना भी लोड लगाओ, ठीक है, जैसे कि ये लोड लगा हुआ है, सो ड्यू टू दिस लोड द बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, इस तरह से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, इस तरह से बेंड हो जाएगी लाइक दिस, और डिफ्लेक्शन वगैरह आपको मिलेगा। बट यू कैन सी बेंड जब हुआ तो ये वाला पॉइंट बेंड नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट जो है वो नहीं बेंड हुआ, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो बेंड नहीं हुआ। अब देखो ऐसा भी, इसको देखो अपने अपने देखने का नजरिया है। अब जैसे मैं देखूं, अगर सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, इस वाले फ्री एंड पे आप खड़े हो, तो आप जब यहाँ खड़े होगे तो आपके वजन के कारण ये जो पॉइंट फ्री एंड जो है ये नीचे चला गया ना नीचे। तो अगर ये नीचे गया है तो नीचे या ऊपर इज अ रिलेटिव वर्ड, राइट, अगर आप एक पॉइंट पे हो दूसरा आपसे ऊपर है, सो उसके कंपेयर में आप नीचे हो और आपके कंपेयर में वो ऊपर, इट इज़ अ रिलेटिविटी, इट इज़ रिलेटिविटी, राइट, तो पोजीशन की रिलेटिविटी है बेसिकली। तो आप नीचे चले गए बेसिकली, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ऊपर हो गया, सो दिस इज द हायर पॉइंट। अब देखना मैथमेटिक्स में लेके जा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर नीचे हो, आप नीचे चले गए, तो ये पॉइंट आपके रिस्पेक्ट में कैसा है, अभी ऊपर है। सो इफ यू विल लुक क्लोजर, तो दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट, दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस विल बी द हाइएस्ट पॉइंट, दिस विल बी द हाइएस्ट पॉइंट, क्लियर बात है, दिस विल बी द हाइएस्ट पॉइंट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हाइएस्ट पॉइंट होगा आप लोग पास जो हाइएस्ट पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर लोएस्ट पे तो जीरो हो सकता है, यस लोएस्ट पे भी जीरो होता है स्लोप, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व बन रहा है, दिस इज नॉट मूविंग अपवर्ड, ऐसा कुछ अपवर्ड है नहीं जा रहा है, सो यू वुडंट सी अ मिनिमम ओवर हियर, ऐसा मिनिमम कुछ आपको नहीं मिलेगा इस तरह से, ठीक है, मिनिमा नहीं दिख रहेगा आपको यहाँ पर आप लोगों को मिनिमा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को हाइएस्ट पॉइंट दिख रहा है। सो ये जो हाइएस्ट पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ऊपर है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो dy by dx होगा दैट इज द स्लोप शुड बी जीरो, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से, ये तो मैथमेटिक्स की बात होगी, थोड़ा सा फिजिकली समझते हैं। ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो है फिक्स है, यारा जो सपोर्ट है वो फिक्स है, और यहाँ से जस्ट बैंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जस्ट बैंड स्टार्ट हुआ है, ओके, सो दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ये जो लोकेशन है इसमें एज सच कोई मेजर बेंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पर जो रहता है एक सर्टेन लेंथ नियर, इट इज़ वेरी क्लोज टू द सपोर्ट, है ना, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द सपोर्ट। तो यहाँ पर जो स्लोप है आप लोगों के पास, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे एट द सपोर्ट, ओके, सो यू विल हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री है यहाँ पर, या जीरो रेडियंस कह लो, ठीक है, सो दैट इज वाई जो स्लोप हो गया क्या हो गया, जीरो हो गया। तो स्लोप जो होगा आपके पास फिक्स एंड पे डी वाई बाई डी एक्स वो क्या होगा, जीरो होगा। नाउ हियर यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सो यू विल सी दैट डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पर ये हाइएस्ट है, सो डी वाई बाई डी एक्स कैसा आपके पास मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट हाउ मच इज दैट हमको नहीं पता। तो x इक्वल टू जीरो पे dy बाई डी एक्स मैक्सिमम है, कितना है हमको नहीं पता, बट यहाँ पर एग्जैक्टली पता है कि x इक्वल टू l पे ये जीरो है, तो एक सर्टन वैल्यू है x की, तो उस पर एक सर्टन वैल्यू आपकी dy बाई डी एक्स की, सो दिस इज अ यूजफुल बाउंड्री कंडीशन। तो dy बाई डी एक्स का जो इक्वेशन है, यानी कि जो स्लोप इक्वेशन है, स्लोप इक्वेशन जो है हमारे पास ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग प्लस ऐसा c1 जो है, इसमें ये जीरो हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्व करोगे c1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन क्योंकि ये वेल सपोर्टेड है तो यहाँ पर बीम जो है वो नीचे या ऊपर नहीं जा सकती, द बीम कैन नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू दिस सपोर्ट, है ना, यहाँ पर मूव नहीं कर सकती, बीम फिक्स है, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट द फिक्स एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन। सो y की जो वैल्यू है x इक्वल टू l पे आपके पास जो y है विच इज डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो यहां पर से आप लोगों को एक और बाउंड्री कंडीशन मिल गई, तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक स्लोप का और एक डिफ्लेक्शन का, जिसमें आपके पास कुल मिलाकर के दो कांस्टेंट्स हैं c1 और c2, दो इक्वेशंस सॉल्यूशन करोगे c1 c2 आ जाएगा। तो आपके पास जो फिक्स एंड है, फिक्स एंड पे आपके पास
जो डिफ्लेक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, फिक्स एंड पर डिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो. तो ये आपके पास कैंटिलीवर की बाउंड्री कंडीशंस हैं और ये यहाँ पर नोन है. बेसिकली इसको बाउंड्री कंडीशंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एल जो कि एक्स की वैल्यू है विच इज नोन, और आपको यहाँ पर एग्जैक्टली पता है कि वाई भी जीरो होगा. सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस. नाउ और कुछ कंडीशंस हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर यू, बट वो आपको जब इस इक्वेशंस को, इन बाउंड्री कंडीशन को जब आप यूज करके C1 C2 निकाल लोगे तब काम आएगा. सो यूज दीज टू. ओके, यूज दीज टू, दैट इज एट एक्स इक्वल टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो. तो ये दो जो है कंडीशन जिसको यूज करोगे, फाइंड कर लोगे आप C1 एंड C2, ये आप फाइंड आउट कर लोगे. इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आप लोगों को अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स की यानी कि जो स्लोप है इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कहाँ होता है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, फ्री एंड पे है. तो अब क्या करना है, आपको जो स्लोप इक्वेशन आप आज निकाल चुके हो, आप C1 निकाल चुके हो, आप C2 निकाल चुके हो, आपका स्लोप इक्वेशन कंप्लीटेड है, आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन कंप्लीटेड है, आप क्या करो उसमें, आप उसमें x इक्वल टू जीरो पुट कर दो, थीटा मैक्स आ जाएगा. ठीक है, स्लोप इक्वेशन है. सो पुट्स दिस x इक्वल टू जीरो. ओके, सो पुट x इक्वल टू जीरो इन स्लोप इक्वेशन. ओके, और क्या मिलेगा उसके बदले आपको, dy by dx की मैक्सिमम वैल्यू. सेम वैसी पुट करो आप लोग x इक्वल टू जीरो इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और आपको मिल जाएगा y max. ठीक है, तो इस तरह से कैंटिलीवर के लिए बाउंड्री कंडीशंस हम लोग देख पाए. ठीक है, आगे बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए. ओके, तो सिंपली सपोर्टेड बीम देखते हैं. सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह से एक आपके पास बीम है, एक एंड उसका हिंज्ड है, दूसरा एंड उसका उसमें रोलर सपोर्ट है, कुछ भी लोड लग रहा होगा, ऐसा पॉइंट लोड लगा लो, UDL लगा लो, जैसा भी, इस तरह से लगा दिया मैंने. ओके, नाउ अब इसमें कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखना. जैसे सिमेट्रिकल लोडिंग वाली बात किया मैं, तो जैसे आपके पास मिड पॉइंट है इस बीम का, मिड स्पैन यानी कि L by 2 जो मिड स्पैन है, तो मिड स्पैन पे एक सेक्शन काट करके देखो इस तरह से, तो इसके लेफ्ट साइड में जितना लोड है उतना ही अगर राइट साइड में हो तो ये सिमेट्रिकली लोडेड है अलॉन्ग द स्पैन. सो इट इज सिमेट्रिकल लोडेड अलॉन्ग द स्पैन. ठीक है, सो इफ मिड स्पैन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ लोड है, सो द बीम इज सिमेट्रिकली लोडेड अबाउट द स्पैन, एंड दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, नाउ बताऊंगा ऐसा क्या होता है, इसका क्या यूज होगा वो हम लोग अभी देखेंगे इसी में. नाउ यहां पर आप देख सकते हो ये कंप्लीटली सपोर्टेड है, आप लोग किसी भी जगह सेक्शन काटोगे अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप सेक्शन काटोगे कहीं भी सेक्शन काट लो फर्क नहीं पड़ता इसमें. ठीक है, क्योंकि यहाँ UDL लगा है, आप लोग इसमें बिल्कुल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो ये जो सेक्शन है आपके पास, इसके लिए अगर जैसे आप मोमेंट्स का इक्वेशन लिखोगे तो mx का भी इक्वेशन लिख सकते हो इजीली. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख सकते हो. नाउ अगेन आपको जो EI d² / dx² है उसका आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि आप मैकलेस मेथड में हो. सो अगेन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन EI d² y / dx² by integrated twice. ओके, आप दो बार इंटीग्रेट करके जो सोल्यूशन निकालोगे, एक सोल्यूशन आएगा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने पर dy/dx का, और एक सेकंड टाइम में क्या आ जाएगा, वाई का आ जाएगा, यानी कि EI dy/dx and EI y का. ऐसा आपको दो इक्वेशंस दिखाई देंगे. अब आप क्या करोगे देखना. अब ये जो इक्वेशन आया है ना, इसमें अगेन आप लोग पास कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन होंगे, इसमें C1 हो गया, इसमें C1 x + C2 हो गया. ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस आते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं हम लोग उसको फर्स्ट टर्म के बाद रखते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया ना. तो ये जो फर्स्ट टर्म होगा, जो भी फर्स्ट टर्म होता है, लिखने का तरीका है, हालांकि आप लोग को गेट में रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देना है, बट रिप्रेजेंटेशन वाइज बात करें तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसके बाद आप लोग कॉन्स्टेंट्स को रखते हो इस तरह से, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इक्वेशन रहता है इस तरह से. ठीक है, ओके,
नाउ आप लोग ने ये जो इक्वेशंस है निकाल लिया, आपको C1 C2 चाहिए तो बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं। तो सिमिलर सबरूटीन के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये आपके पास लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो x इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपके पास x इक्वल टू एल। यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पे भी आपके पास डिफ्लेक्शन जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, तो जहाँ पर भी सपोर्ट होता है बीम वहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया x इक्वल टू एल पे भी एक सपोर्ट, तो यहाँ पर भी y इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, यहां से एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एल पे y इक्वल टू जीरो, दोनों का आप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, C1 एंड C2 आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ मैंने बात किया था स्पैन के अबाउट सिमेट्रिकली लोडेड प्रॉब्लम्स का, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपके पास इस तरह से एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दूँ, इस तरह से ट्रायंगुलर में इसमें यूवीएल लगा दूँ, बकायदा सिमेट्रिकल है, जितना फर्स्ट हाफ में है उतना ही सेकेंड हाफ में, इस तरीके का प्रॉब्लम लगा दिया, या पॉइंट लोड एट मिड स्पैन बोल दिया, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों को दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये सब सिमेट्रिकली लोडेड है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम देख करके समझ जाओगे कि मिड के इस तरफ जितना लोड है राइट साइड भी उतना ही लोड है। तो उसके से बेटा याद रखना, उस केस में जो आपके पास स्लोप होता है dy by dx जो होता है ओके इज इक्वल टू जीरो एट मिड स्पैन ओके फॉर सिमेट्रिकली लोडेड बीम्स ओके फॉर सिमेट्रिकली लोडेड बीम्स, ये dy/dx जो है आप लोगों का क्या होता है, जीरो होता है एट मिड स्पैन, एट x इक्वल टू बोल सकते हो L/2 पे, मिड स्पैन पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये याद रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गया मिड स्पैन पे dy/dx जीरो होगा, स्लोप जो है जीरो हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ जहाँ पर भी आपके पास स्लोप जीरो होता है, स्लोप कितना होता है dy/dx, तो dy/dx जहाँ पर जीरो होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं y जो है दिस इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि y किस जगह पे मैक्सिमम है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप मैथमेटिकली जब बात करते हो, सो फॉर y मैक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप कैसे सोल्यूशन करोगे, आप dy/dx इक्वल टू जीरो करोगे और आप x फाइंड आउट करोगे। ऐसे ही करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के आप लोग इक्वेशंस में क्या करते हैं, dy/dx इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं d²y/dx² निकाल करके देखते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं एट x, जो भी x यहाँ फाइंड आउट किए हैं उस पर, फिर देखते हैं ये पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है x पे, और अगर निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा है x पे। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं पहले भी मैथमेटिक्स में, हम लोग इस तरह चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले भी, तो हम लोगों को मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट पता है। तो अगर मुझे y मैक्स फाइंड आउट करना है तो y मैक्सिमम जिस भी जगह पे होगा उस जगह पे बीम में जो dy/dx है वो जीरो मिलना चाहिए ना। व्हाट इज dy/dx, दैट इज द स्लोप। तो जिस जगह पे स्लोप आपका जीरो होता है उस जगह पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। अब कई जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लिक किया होगा, सर लेकिन हम लोग तो कैंटिलीवर बीम में देखे हैं सर के हमारा स्लोप यहाँ जीरो हो रहा था सर dy/dx इक्वल टू जीरो, लेकिन सर यहाँ तो y जीरो बोला सर। तो बेटा आपका सोचना बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा आप यहाँ चूक कर गए, आपको मैंने सिखाया ना, आप अगर यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको लगेगा आप नीचे हो और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये कहानी बताई, हाईएस्ट पॉइंट है जो आप लोग का दैट इज हैविंग जीरो स्लोप। सो आप लोग यहाँ से देख रहे हो इस तरह से, ये जो पॉइंट है आप लोगों का, ये जो पॉइंट है ये आप लोग का ऊपर रह गया, आप जो आ गए हो ना, आप नीचे आ गए हो, ये ऊपर रह गया है, सो दिस इज द हायर पॉइंट, और यहाँ पर dy/dx के आप लोगों के पास जीरो है, दिस इज द हायर पॉइंट, तो दैट इज वाई इसमें क्या है, इसमें स्लोप जो है वो जीरो है। तो इस लॉजिक से इसमें dy/dx आपका जीरो आ रहा है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो ये जहाँ पर dy/dx जीरो है उस पॉइंट पे आप लोगों का y मैक्स होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये जो y मैक्स है आप यहाँ से निकाल दे रहे हो, ये जो पॉइंट है इसका यहाँ से ऐसा डिस्टेंस निकाल दो, दिस इज योर y मैक्स, बात खत्म। ठीक है, मैथमेटिक्स पूरा सेटिस्फाइड हो गया इसका। अब देखो आगे, सो जिस पॉइंट पे y मैक्स होगा बोला मैं किसी भी बीम पे, उस पॉइंट पे स्लोप उसका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप जीरो होना चाहिए, ऐसा बोल दिया मैं, dy/dx जीरो कर दिया, इक्वेशन सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाला, उस जगह पे जिस जगह पे dy/dx जीरो था मुझे x मिल गया, इसी x की वैल्यू को मैं अगर पुट दिस x इन इक्वेशन ऑफ y,
y के इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y max मिल जाएगा. This will lead you to y max. ठीक है, तो y max निकालना हो तो find कर लो आप x corresponding to dy by dx equal to 0. और अगर load symmetrical है तो dy by dx आपको 0 मिलेगा हमेशा. कहां पर? x equal to l by 2 पे. इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो y max है वो कहां होगा? वो होगा l by 2 पे for symmetrically loaded beam. अगर बराबर लोड लग रहा है लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में मिड स्पैन के, तो बीचों बीच ही सबसे बड़ा डिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा. ओके, सो आपके पास मैंने बाउंड्री कंडीशन बता दी, तो एक बार ब्रीफ में लिख देता हूं मैं. सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू l पे भी y इक्वल टू 0. इससे आप लोगों को c1 और c2 मिल जाएगा. आपका जो स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. नाउ यू कैन फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी लोकेशन. नाउ एक और चीज, अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज द इनिशियल स्ट्रेट बीम, ये आपके पास स्ट्रेट वाला नीचे वाला इस तरह से डिफ्लेक्शन हो गया. तो अगर मान लीजिए सिमेट्रिकली लोडेड है बीम, फॉर सिमेट्रिकली लोडेड, ओके, फॉर सिमेट्रिकली लोडेड अबाउट स्पैन, तो जितना स्पैन में इस तरफ बीच में इस तरफ जितना लोड है उतना लोड इस तरफ भी है, तो उस कंडीशन में जो स्लोप होंगे, आप देखोगे, देखो जो आपके सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स पे आपने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किए. ओके, दिस इज लेटर से सपोर्ट ए, दिस इज लेटर से सपोर्ट बी. तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, दिस इज थीटा ए एंड दिस इज थीटा बी. तो दोनों तरफ स्लोप क्या होगा बेटा? बराबर होगा. आपके पास थीटा ए इक्वल टू क्या होगा? थीटा बी होगा. ओके, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी होगा आपके पास. ठीक है, और ये जो स्लोप्स हैं दे विल बी द मैक्सिमम स्लोप फॉर सिमेट्रिकली लोडेड बीम. दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, और दोनों ही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप है. ठीक है, सो थीटा इक्वल टू थीटा बी होगा एंड दिस इज द थीटा मैक्स. और अगर सिमेट्रिकली लोडेड नहीं है तब भी याद रखना, इफ सिमेट्रिकली लोडेड नहीं है तब भी उस केस में जो स्लोप्स की हाईएस्ट वैल्यूज आएंगी वो यहीं पर आएंगी, बट दोनों इक्वल नहीं होगी. दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा. जैसे कि यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, आपकी बीम कुछ इस तरह से बैंड हो गई है इस तरह से, तो उस कंडीशन में यहां जो स्लोप है दिस इज थीटा ए. ओके, और यहाँ जो स्लोप है दिस इज थीटा बी. सो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी आपके पास आ रहा है. सो थीटा ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा मैक्स. ठीक है, ये आप लोगों के पास लॉजिक है. क्लियर है ना? ये आप लोग पास क्लियर लॉजिक है. तो इस तरह से आप लोग मैक्वेलिस मेथड का इस्तेमाल करके जो डिफ्लेक्शन है बीम में वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ आई होंगी. और आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मोमेंट एरिया मेथड है और जो हमारे पास जो एनर्जी मेथड है, वो हम लोग सारे मेथड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. उसके बाद फिर वर्कबुक के क्वेश्चंस लगाएंगे. ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच.